नमस्कार सभी बच्चों को स्वागत है आप सभी का स्वागत है आप सभी का चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स पर और आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटेस्ट क्वेश्चंस ठीक है मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटेस्ट क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के ठीक है एस एस सी कंप्लीट मैथ दो हजार बीस के करें सर बिल्कुल ये पांच अक्टूबर को मेरा नया बैच आएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा पांच अक्टूबर को आएगा भैया नया बैच मेरा नया बैच आ रहा है पांच अक्टूबर को सुबह साढ़े आठ बजे से दस बजे तक पांच अक्टूबर को सुबह साढ़े आठ बजे से दस बजे तक मेरा नया बैच है अब इस बैच की क्या फैसिलिटी रहेंगी क्या कुछ रहेगा एसएससी के लिए सीईटी के लिए सारी चीजें लेकिन उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को फिर मैं सारी बातें बताऊंगा आपको और जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं अन्य अकेडमी पर एक तारीख से उसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और काफी सारा बेनिफिट होगा ठीक है चलिएगा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर ये ताकि ये बात मैंने बहुत पहले भी बताई थी आज एक चीज़ मैंने पुरानी ली है और बहुत मस्त क्वेश्चंस गजब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करवाने के लिए और कुछ चीज़ें आपको नई सिखाने के लिए यह कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का आठवां अजूबा है भैया ये आइंस्टीन ने बोला है ये आइंस्टीन ने बोला है यह कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का आठवां अजूबा है यह समान अनुपात को अनुसरण करता है कि पहली दो संख्याओं के बीच जो रेशियो बन गया ना जैसे एक और दो का बन गया तो अगली बार इसकी गुणा करते रहो ये चार बनेगा क्योंकि ये भी एक दो है अगली बार इसकी गुणा करते रहो ये आठ बनेगा अगली बार इसकी गुना करते रहो ये सोलह बनेगा अगली बार इसकी गुना करते रहो ये बत्तीस बनेगा इस हिसाब से गुना होती रहेगी तो ये बनेगा यानी कि अगर सेम रेशियो को अनुसरण करता है तो ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सेम है यही चीज जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यही चीज होती है गुणोत्तर श्रेणी यही एक चीज होती है जीपी कि यह गुणोत्तर श्रेणी है जीपी कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चंस इसके बहुत लेवल के नहीं आते हैं इसलिए कई बार बच्चों को लगता है उन्होंने सब कुछ सीख लिया आधी अधूरी नॉलेज लेकर भी वो ले जाते हैं नंबर लेकिन अब लड़ाई लाखों करोड़ों बच्चों की हो गई है तो आपको बहुत डेफ्ट नॉलेज चाहिए होगी जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है क्योंकि देखिए मजा तभी आएगा भैया नई नई बातें बताने का जब आप भी इस वीडियो को दूसरे दोस्तों को बताएंगे तो तब मैं स्टार्ट करता हूं और यह गुणोत्तर श्रेणी को फॉलो करता है क्योंकि यह रेशियो रेशियो मेंटेन मेंटेन है है श्रेणी का का गेम ही रेशो मेंटेन का गेम ही होता सक्सेसिव को भी अनुसरण करता है सक्सेसिव भी इसी रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है और इस सारी चीज को हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज को देखेंगे ठीक है तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन एक बात का ध्यान रखेंगे सर फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर बीच-बीच में डायलॉग और आज बहुत मस्त कहानी कहानी अंदर बड़ी गजब सुनाऊंगा लेकिन उससे पहले <laughs> उससे पहले मैं चीजों को समझा दूं एसएससी स्पेशल बैच की फीस क्या है अब सारी बातें बाद में करेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कोई धन राशि वृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है प्रथम तीन वर्षों का ब्याज है चौदह सो दो रुपये और चार वर्षों का ब्याज है अठारह सौ चौतीस रुपये प्रथम तीन वर्षों का ब्याज है चौदह सौ दो रुपये और चार वर्षों का ब्याज है अठारह सो चौतीस रुपये यह है चौदह सो दो रुपये और ये है अठारह सो चौतीस रुपये अठारह रुपए क्लियर है अब अगर ये देखो ये था तीन वर्षों का थ्री इयर्स का और ये है फोर इयर्स का चार साल का बहुत ध्यान से समझना भैया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं पहले मैं इसको आंसर निकाल दूं फिर ऐसा करते क्यों हैं और फिर कंसेप्ट बड़ी मस्त चीजें आज बहुत सोलिड सोलिड चीजें गारंटी दे रहा हूं कि आज की कंप्लीट क्लास अगर आपने कर ली तो ये मेरा दावा है कि आपको खूब सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और कब कभ दोबारा कभी नहीं मिलते कभी कबार मैं पेड बैच वाली चीजें यहाँ पर ले लेता हूँ जो नए तरीके के पेड स्पेशल होंगे उनकी चीजें तो एक किस्म से ये उसी की क्लास का कुछ हिस्सा मैंने बता बताने की प्रयास करूंगा मैं भैया ये तीन है ये दो है जहां तक कट हो रहा है वहां तक कट कर दो दो से मेरा कटा तो ये आ गया सात बहुत धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बड़ा मजे मारते हुए और इसको मैंने कट किया तो ये आ गया है 917 जब आपको अब लगने लग रहा है कि अब नहीं कटेगा अब नहीं कटेगा तो इनका डिफरेंस निकाल दो अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं कटेगा तो सात में से एक गया तो छह एक में से जीरो गया तो एक और नौ में से सात गया तो दो दो सौ सो सोलह अब ये हो गया 216, जो डिफरेंस आया है ना जो भी कम ईयर है इन दोनों में छोटा ईयर कौन सा है तीन की चार तीन है तो जितना भी कम वाला टाइम है ना उतनी ही बार का रूट तो यहाँ क्यूब रूट निकलेगा यहाँ क्यूब रूट निकलेगा तो कितना बन गया छह बन गया है ये अगर छ बन गया तो कहने का मतलब छ मेरा अमाउंट है अगर छ मेरा अमाउंट रहेगा अमाउंट मतलब मिश्र धन रहेगा अमाउंट बहुत जरूरी और बहुत मस्त बात सिखाने जा रहा हूं छ मेरा अमाउंट रहेगा अमाउंट रहेगा तो इसका मतलब पांच रुपए से ये कहानी छ हुई होगी पांच रुपए से यह कहानी छ हुई होगी एक रुपया मैंने इंटरेस्ट का मानना है सर एक ही क्यों माना सारी बात बताऊंगा थोड़ी सी शांति रखना सारी बातें बताऊंगा तो एक रुपया मेरे को इंटरेस्ट का मिलेगा तो एक रुपया मेरे को इंटरेस्ट का मिल गया टोटल कितने के ऊपर पांच के ऊपर और एक बटा पांच और गुना में कर दो सो और एक बटा पांच गुना में कर दो सो तो कितना परसेंट आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट आंसर आ जाएगा बीस प्रतिशत आंसर आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अब ऐसा क्यों हुआ सर ये क्यूब रूट ही क्यों लिया ये कि किस तरह के किस तरह से हम लोग इसका शॉर्टकट कर सकते हैं हमारे दिमाग में कैसे बनेगा कि हम इसको याद रख पाए सारी बातों का जवाब आने वाली दस मिनट में मिलेगा सारी बातों का जवाब आने वाली दस मिनट में मिलेगा सर एक बार ये आगे से स्क्रीन को सही कर दीजिए ताकि मैं बच्चों के चीजों को सही से पह कमेंट करें तो मैं देख पाऊं अब मेरी बात को गौर करना चलो मैं इस तरह का पहले एक क्वेश्चन और करवा दूं और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना भैया अगर अच्छा लगा हो कि हाँ आज क्वेश्चन बहुत मस्त होने वाले हैं छोटे क्वेश्चन नहीं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन बहुत सोलिड तरीके के क्वेश्चन होंगे आज जितने मैंने पुराने क्वेश्चन करा रखे हैं उनमें से मुश्किल से दो या तीन ही क्वेश्चन लिए हैं बस मैंने बाकी सारे का सारा नया क्वेश्चन नई कैलकुलेशन नया कंटेंट कि आपको पता चलेगा कि सर ने कितना नया कंटेंट बना लिया है इस लॉकडाउन में आज दो घंटे की क्लास है बिना रुके बिना थके हमको लेना है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आइएगा आपको मैं पहले दोनों क्वेश्चन करवा देता हूं फिर इसका रीजन समझाता हूं ऐसा करना क्यों होता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन चार वर्ष और पांच वर्ष का है तो देखो भाई साहब इसने दे रखा है पहला जो ब्याज दे रखा है वो चार साल का और जो अगला ब्याज दे रखा है वो पांच साल का पहला जो ब्याज दे रखा है वो चार साल का और अगला जो ब्याज दे रखा है पांच साल का तो सात सौ पचपन और ये कितना है बीस पैंतीस सात सौ पचपन और बीस पैंतीस अगर मैं इसको लास्ट में पांच है तो भैया पांच से कट कर लू पांच से अगर मैंने कट किया तो पंद्रह और एक सौ इक्यावन और अगर मैंने पांच से कट किया तो ये आ जाएगा चार सौ सात तो इसका मतलब ये लास्ट पॉइंट आ गया कट होने के बाद ये लास्ट पॉइंट आ गया अब आपको क्या करना है इसका गैप इसका गैप तो सात में से एक गया तो दस में से पांच गया तो पांच और चार में से ये, तीन में से एक गया तो दो ये दो सौ छप्पन आ गया इनका डिफरेंस निकाल लिया और इनका डिफरेंस जब आ गया तो इन दोनों के अंदर छोटी संख्या कौन सी है चार है इन दोनों के अंदर दो छोटी संख्या कौन सी है चार है अगर ये चार है तो फोर्थ रूट निकाल दो भैया फोर्थ रूट मेरा आ गया कितना किस संख्या की मैं चार बार गुना करूं चार चौका सोलह चौका चौसठ चौका दो, दो सौ छप्पन किस संख्या की मैं चार बार गुना करूं तो ये अमाउंट बन जाए ये चार की गुना करूंगा ये चार की गुना करूंगा तो कहने का मतलब मेरा ये ये रह गया गया कि हो है अमाउंट ये हो गया है अमाउंट चार अगर अमाउंट है तो कहने का मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया चार में से एक घटा दो तीन रेशो चार चार में से एक घटा दो तीन रेशो चार के मतलब है कि तीन अगर मेरा ये रहा होगा तो चार मेरा अमाउंट रहा होगा तो एक बटा तीन गुना सो एक बटा तीन और गुना में कर दो सो और एक बटा तीन गुना में सो तो कितना बन जाएगा तेतीस पॉइंट तेतीस परसेंट थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट अगर समझ में आया तो बिना कहे लाइक समझ में अगर आ गया आपको लगा कि हाँ अच्छी चीज अभी ऐसा किया क्यों क्यों का जवाब अभी मैं देने वाला हूं मैंने तीन साल का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको चार साल का भी जिसमें फोर्थ रूट लेना है जिसमें आपको थर्ड रूट लेना है बोलिए अगर समझ में आया तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि बिना कहे लाइक कर दो यार बिना कहे लाइक कर दीजिए कि हाँ सर लाइक हो गया है बिना कहे लाइक होना चाहिए क्लियर है ठीक है चलो एक क्वेश्चन और करा दूं फिर अपन क्यों पे आए चलिए सर थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आइएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन आप आज बहुत जबरदस्त बात सीखने वाले हैं दिन का जो समय आपने यहां पर दिया है ना मैं आपको बीच में आज मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कल बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा टाइम मैनेज कैसे करना है आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए आने वाले समय में आपको कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है कितने बजे उठना है कितने बजे पढ़ना है बहुत सारी चीजें अब मेरी बात को सुनना ये है दो वर्ष और तीन वर्ष तो कहने का मतलब एक बार लिखूंगा मैं टू ईयर संख्या बहुत आसान दिखाई दे रही है हो सकता है इसका आंसर याद हो लेकिन मैंने तो आपको तरीके सिखा दिए भाई ये दो साल है दो सौ दस ये तीन साल है तीन सौ इकतीस संख्या आपस में नहीं कट रही तो ये रेशो ही है अगर ये रेशो है तो इसका डिफरेंस निकाल दो इसका डिफरेंस निकाल दो तो ये हो गया है वन टू वन एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस का अगर डिफरेंस निकाल दिया तो ये कितना है दो साल है अगर ये दो साल है तो स्क्र रूट अगर ये दो साल है तो स्क्र रूट तो कितना बन जाएगा ग्यारह ग्यारह बन गया अमाउंट ग्यारह बन गया है अमाउंट ग्यारह वाली चीज हो गई है अमाउंट मिश्र धन अगर ग्यारह अमाउंट हो गया तो अब मैं ये समझा रहा हूं कि ग्यारह है तो इसका मतलब रेशियो कितना रहा होगा एक घटा दो हमेशा एक घटाना है तो 10 से 11 रहा होगा रेशियो अगर 10 से 11 रहेगा अगर रेशो 10 से 11 रहेगा तो एक बटा प्रिंसिपल नीचे एक बटा दस और में कर दो सो और एक बटा दस में कर दो सो तो मतलब कितना परसेंट मतलब कितना परसेंट दस परसेंट तो आंसर मेरा आ जाएगा टेन परसेंट मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि करना कैसे है क्यों करना है अभी क्यों का जवाब नहीं दिया है मैंने किसका जवाब दिया है कैसे का जवाब दिया है कि कैसे करना है अब चाहे कितने ही क्वेश्चन वो ले आए सर ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा क्वेश्चन हटा दीजिएगा अगर अच्छा लगा है कोई बच्चा बाद में आया है तो भैया लाइक कर देना लाइक कर देना मैं फिर कह रहा हूं आज जितना लाइक के थ्रू आप मेरी एनर्जी बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे लेवल के क्वेश्चन में लेके आता रहूंगा मेरे मैंने आज तीस क्वेश्चन का बहुत अच्छा सेट बना रखा है उनमें से उन बीस को कराऊंगा जो अगर आप बहुत अच्छा, साथ साथ लाइक करते चले जाएंगे वीडियो अच्छी चलती चली जाएगी तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं तो बीच में मैं पुराने क्वेश्चंस भी कराने लग जाऊंगा पुराने क्वेश्चंस भी कराने अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर सारे ही अच्छे और नए क्वेश्चन तो आपके हाथ में है ये तो आपके हाथ में है अब मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं बहुत गौर करके सुनना भैया सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे क्यों का जवाब आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन की कैसे कैसे से पत कैसे का मतलब कैसे हम क्यों सीखते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर कैसे काम आता है एग्जाम की कैसे करना है फिर क्यों क्यों सीखते हैं क्यों इसलिए सीखते हैं कि कंसेप्ट की क्लियरिटी आती है कंसेप्ट की क्लियरिटी आती है फिर क्यों सीखते हैं भूलते नहीं हैं क्यों इसलिए सीखते हैं उसके बाद भूलते नहीं हैं क्यों पता लगने के बाद कि क्यों ऐसा करना है हम पढ़ क्यों रहे हैं दुनिया की तरह यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं देख रहे क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है हमको पता है कि हमारी मेन प्रायोरिटी पैसा सिलेक्शन इज्जत यश मान सम्मान है वो किससे मिलेगा फिल्म देखने से नहीं वो मिलेगा सिलेक्शन लेने से और सिलेक्शन होगा पढ़ने से इसलिए आप क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं हर क्यों के पीछे कुछ रीजन होता है तो अब भी मैं आपको समझाने वाला हूं कि अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि इस कंसेप्ट का रीजन क्या रहा होगा भाई साहब एक बात देखो यार मैंने क्या किया कोई भी चीज का परसेंटेज जैसे मैं मानता हूं बीस परसेंट इधर देखना क्यों का जवाब मैंने लिखा बीस परसेंट बीस परसेंट होता है एक बटा पांच अब अगर मैं ये बीस ही नहीं लिखूंगा अब अगर मैं ये बीस ही नहीं लिखूंगा तो ये नीचे एक्स हो जाएगा अगर मैं ये नीचे बीस नहीं लिखूंगा तो नीचे एक्स हो जाएगा अब मैंने देखा अगर मैं चलो तीन साल का करके बता रहा हूं तो नीचे वाली संख्या का क्यूब ले लो, एक्स क्यूब एक दो और तीन ठीक है अब एक बटा एक से मैंने भाग दिया वन बाई एक्स से मैं भाग दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क् तो और ये वन बाई एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा ये वन बाई एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा अगर मैं तीसरे केस में आता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेर वन अपॉन एक्स अब इसकी जगह पर ये दो बार x और x आ जाएगा और तीसरे इसका वन अपॉन एक्स निकालेंगे इसका वन अपॉन एक्स निकालेंगे इस वाले का तो वन अपॉन एक्स इसका वन आ जाएगा अब मेरी बात को गौर करके सुनना इसने मुझे क्या बोला दो साल का सीआई मेरा कितना है भाई साहब एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेयर और एक्स तो मैंने देखा कि टू एक्स स्क्वा एक्स यही है और तीन साल का सीआई कितना है भाई साहब साल का मेरा कितना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ये बात क्लियर है क्या अगर ये बात क्लियर है तो सभी बच्चे देखिएगा बहुत गौर करके सुनते रहना बाकी सारी बातें बाद में आज इतनी मस्त चीज सिखाने जा रहा हूं जो सिर्फ आप पेड में सीखते मैंने पेड क्लास का कुछ हिस्सा यहां पर ले लिया है कि पेड बैच में हम कैसे तैयारी करवाते हैं आपको समझ में आएगी मैं ऐसे ही नहीं किसी भी बच्चे को बोलता हूं कि आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ लो जो एक साल वाला जो पांच अक्टूबर वाला बैच बता रहा हूं ना वो इतना बेनिफिशियल बैच है अगर अभी ले लोगे ना तो अगले साल का सीई तक मेरी गारंटी है हर एग्जाम पास करवा दूंगा मैं लेकिन पहले इधर देखना भैया इनका डिफरेंस मैं निकालता हूँ इनका डिफरेंस मैं निकालता हूँ तीन एक्स में से दो एक्स गया तो ये एक्स स्क्वे प्लस तीन एक्स में से एक्स गया तो ये दो एक्स प्लस वन। तो क्या बना है ये बना है एक्स प्लस एक का स्क्वायर ये बना है एक्स प्लस एक का स्क्वायर तो कहने का मतलब ये x प्लस एक का स्क्वायर है कि नहीं है यानी जब भी दो साल और तीन साल हो तो यहां जो संख्या बनेगी ना वो जो छोटा नंबर है ये इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को जोड़कर छोटा नंबर उनकी पावर में आ जाएगा इन दोनों को जोड़कर और अपन ने क्या किया था अपन ने सिर्फ यही किया था कि इसका फिर हमने स्क्वेर रूट निकाल दिया इसका फिर हमने स्क्वेयर रूट निकाल दिया इसका हमने स्क्वेयर रूट निकाल दिया तो स्क्वेयर रूट से क्या हुआ था ये दो इसको कट कैंसिल कर गया था तो ये एक्स प्लस वन बचा था लास्ट में आके ये एक्स प्लस वन बचा था और फिर जो भी बचा था हम उसमें से एक ही तो माइनस कर रहे थे अरे बोलो हाँ या ना, एक बारी लाइक के थ्रू ना बोलना है लाइक के थ्रू ना बोलना है सिर्फ ये नहीं जिन बच्चों ने ऑलरेडी लाइक कर दिया है अच्छी बात है जिन्होंने ऑलरेडी लाइक कर दिया नहीं तो भैया लाइक करिए दिल जीतने वाली क्लास है आज तो यार आप कभी कभार तो कहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा मुरीद बना दो आज का मेहनत आज मैंने सिर्फ क्या किया है पेड क्लास का कुछ हिस्सा मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम कितनी क्लियरिटी से पढ़ते हैं बहुत धीरे, धीरे 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 चलते हुए हम लोग पढ़ते हैं वेरी गुड वेरी गुड अब मेरी बात को सुनना भैया ध्यान से बहुत बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो ये दो साल में और तीन साल में समझ आया बोला सर दो और तीन तो आ गया आप हमको तीन और चार बताओ चलो भाई साहब इन भाई साहब किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकता है किसी भाई साहब को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है कि आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या कर रखा है ताकि बाद में आपको समझ आ जाए ठीक है ए वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा पेड क्लास कैसे लेनी है कहां से लेनी है लेकिन अभी सारे विचारों को छोड़कर इधर पढ़ो ये पेड ही समझ लो अभी के लिए तो आज की क्लास में तो ये समझिए कि अभी आप पेड ले रहे हैं बस आप ही पहले पढ़ो अब देखो भाई साहब मैं आपको कराता हूं तीन के ऊपर केस मैं आपको कराता हूं तीन के ऊपर सर एक बार अगर आप तीन वाला भी करा देंगे ना तो मेरे मन में थोड़ी शांति हो जाएगी सर चलो भैया करा देता हूं मैं तो आपके मन की शांति बड़ी जरूरी है आपके मन की शांति बहुत जरूरी है क्या पता शांति के साथ क्या है आपका इसलिए मन की शांति बहुत जरूरी है x की पावर चार x की पावर चार देखिएगा मैंने चार साल का बनाना तो पावर चार लिख लिया यहाँ से एक बटा एक्स करूंगा तो ये x की पावर तीन आ गया इधर भी x की पावर तीन आ गया और इधर x का स्क्वायर आ गया अगली बारी देखिएगा इधर करूँगा तो ये भी x की पावर तीन आ गया और अब यहां से मैं देखूंगा तो दो बार आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और यहां से करूंगा तो ये एक्स आ जाएगा हर बार एक एक पावर ही तो जानी है ये बात मैं बता चुका हूं सीआई के अंदर जिस बच्चे को पुरानी क्लास की चीज याद है एक संख्या अगली बार डबल ये दो संख्या अगली बार डबल ये चार संख्या अगली बार डबल ये आठ संख्या हर साल संख्या डबल होगी अरे अभी तो मैंने लिखा था थोड़ी सी देर पहले याद है एक दो चार आठ आज की पहली स्क्रीन याद है क्या याद होनी चाहिए भैया याद होनी चाहिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी क्लास इसको अगर मैं देखता हूं तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब मेरी बात को ध्यान से सुनना इसको देखा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अब मैं अगर यहां से देखता हूं तो ये भी बनेगा एक्स बनेगा एक्स स्क्वे और भाई साहब ये भी बनेगा एक्स स्क्वायेर तीनों एक्स स्क्वे तीनो बन गई अगली बारी मैं देखता हूं तीनों एक... अब ये तीन बार एक्स आएगा तीन बार एक्स एक्स और एक्स और इस x की जगह पर कितना बन जाएगा x की जगह पर कितना बन जाएगा एक बन जाएगा शायद एक बार देखेंगे कि नीचे तो ना चला गया हो तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे तीन साल और एक तरफ मैंने लिखा चार साल भाई साहब देखना मैं ये कह रहा हूं कि तीन साल के अंदर ये अब लिखूंगा क्यों अब पूरा के लिखूंगा तीन साल के अंदर ये और चार साल के अंदर ये तो इसका मतलब चार साल में से जब मैं तीन साल घटाऊंगा चार साल में से जब मैं तीन साल घटाऊंगा तो ये चौथा साल ही तो बचेगा बोलो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये चौथा साल ही तो बचेगा मैं ये कह रहा हूं भाई क्या मेरा जो कहना है कि इसमें से चौथा साल ही तो बचेगा जब तीन साल में से चार साल घटाएंगे तो चौथा साल ही तो बचेगा तो चौथा साल लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में थ्री एक्स और प्लस में वन मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्स एक्स प्लस वन बोलो हाँ या ना बोलिए बस कमेंट के थ्रू लिखना नहीं है लिखने में फिर बस आप कमेंट के अंदर ये कर दिया करो ये थम 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 कर दिया करो यस तो आपको समझ में आ गया अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का क्यूब ही तो है ये अरे ये x प्लस वन का क्यूब ही तो है बस आप ये समझो ये x प्लस वन का क्यूब ही तो है तो मैंने क्या ही बोला कि जो ये अन्तर बनेगा, अन्तर होगा? इन दोनों का जोड़ इन दोनों का जोड़ का वही पावर बनेगी जो छोटे वाली पावर है वो पावर बनेगी इन दोनों के जोड़ की इन दोनों के जोड़ की पावर बनेगी ये वाली x प्लस एक का क्यूब इन दोनों के जोड़ की पावर बनेगी ये वाले क्या आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है क्या मैं तो बस ये पूछ रहा हूं ये है क्या? बस इतनी सी बात मैंने पूछी है बहुत सारे बच्चों ने सर यस 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 लिखा है वेरी गुड वेरी गुड भाई साहब बहुत अच्छे गजब गजब कर दिया है यार आपने तो, तो ये मैं समझा पा समझा पाने में कामयाब रहा हूं कि जो फाइनल आंसर आता है वो फाइनल आंसर इन दोनों के जोड़ का इन दोनों के जोड़ का पावर कौन सा होगा छोटे वाला पावर कौन सा होगा छोटे वाला क्लियर हो गई क्या बात सभी को ठीक है देखिएगा चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आपको मैं कंसेप्ट समझा पाया बड़ी जबरदस्त क्लास है आज आपके दिन का यूटिलाइज मैंने बोला कि प्रायरिटी आपकी अगर सिलेक्शन है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है कैसे प्रैक्टिस करनी है और सिलेक्शन आपका किसी भी चीज में हो चाहे आप एन की बात कर रहे हैं चाहे आप रेलवे इसकी एस एस सी की बात कर रहे हैं ये लीजिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन और मैं इसका आंसर का डिमांड रख रहा हूं आपके सामने क्योंकि मैंने डिमांड तब रखी है जब आपको मैंने सिखा दिया है विद रीजन बता दिया है सिखा दिया है विद रीजन बता दिया है कि गजब क्वेश्चन गजब क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को देखिएगा चेतन पारी कह रहे हैं कि सर रोज क्लास लिया करो अरे कुछ गुरु दक्षिणा देना सीखो कुछ दान देना सीखो जब तक दान देंगे नहीं तब तक आएगा कैसे जिंदगी हमेशा लौटाती है आज कुछ देंगे आज पेड़ को पानी देंगे पेड़ फल देगा आज किसान अगर खेत में हल चलाता है तो अनाज मिलता है आज आप कुछ चढ़ावा देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देता है तो गुरु को गुरु दक्षिणा देंगे तो आपकी झोली में जो लेगी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ये चीजें ये छोटी छोटी बातें होती हैं मुझे आंसर बताइए आंसर बताइए साढ़े बारह परसेंट वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड चलिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या मुझे बताना पड़ेगा क्या क्या मुझे बताना पड़ेगा अग, क्या मुझे बताना पड़ेगा जो अगले साल दान देगा उसका सिलेक्शन भी अगले साल ही होगा घबराओ मत मजाक कर रहा हूं सीरियस मत होना मजाक कर रहा हूं सर एक बार पिछला क्वेश्चन लगा दो इस तरह का बस ये तो मैंने आज एक सीरीज आपको दिखानी थी कि देखिएगा ऐसे पढ़ना ऐसा जिसको अच्छा लगे भैया आ जाना जिसको अच्छा नहीं लगे भैया मत आना सर पिछला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन ठीक है इसने बोला है दो और चार सौ और चार ठीक है दो और चार है अब मैं अगर ये कहता हूं कि ये बन जाएगा एक तीन और छ और इसको अगर मैं काटूंगा ये बन जाएगा दो एक और सात तो ये आ जाएगा सात में से छह गया तो एक और सात और एक आठ इक्यासी अब यहां पर क्या होगा ये इक्यासी आया है ये भाई साहब हैं दो साल और ये भाई साहब के हैं तीन साल इन भाई साहब के पास है दो साल और इन भाई साहब के हैं तीन साल तो दो साल दो साल के लिए उसके रूट कर दो. दो साल के लिए उसके रूट कर दो कितना बन जाएगा नो बन जाएगा नो अब ये नो बन गया तो ये अमाउंट है तो एक कम कर दो और नीचे लिख दो एक बटा आठ और गुना में कर दो सो एक बटा आठ और गुना में कर दो सो तो कितना बन जाएगा साढ़े बारह परसेंट आंसर मेरा आ जाएगा साढ़े बारह परसेंट नोट कर सकते हैं आप सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं वेरी गुड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मजा आ गया क्या शुरुआत में ही गजब क्लास हो गई क्या अगर मैंने कल आपको आह्वान किया था कि सभी बच्चे आएंगे तो देखिए फायदा हो रहा है अगर आप सभी बच्चे यहां पर आए हैं तो आपको फायदा हो रहा है अच्छे क्वेश्चन पर बढ़े और शानदार क्वेश्चन पर बढ़े क्या बोलिए हाँ या ना बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पर बढ़ते हैं चलिएगा इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन जो जो मेरे भाई बाद में आए हैं वीडियो को लाइक जरूर करना ये नहीं बाद में कर देंगे अभी क्योंकि आज तो मैं कंटेंट वैसा लेके आया हूं आपको पेड क्लास वाला न्यू कंटेंट आपको पढ़ा दिया है मैंने आज तो कुछ हिस्सा उसका कुछ हिस्सा ताकि आपको पता तो चले कि आपको कितना आता है क्या सिखाया है नो तो, तो कभी कभार हम पुरानी चीजें सिखाते हैं कभी कभार मन करता है सब कुछ प्रोवाइड करवा दे नई चीजें सिखाने का बताइएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए शाबाश ये, ये क्वेश्चन है बताना कुछ नहीं है पढ़ना है सिर्फ बताना कुछ नहीं है क्योंकि हम बता सकते ही नहीं इस बात को मानना पड़ेगा कि हम बता सकते ही नहीं आज तो देखिएगा बिल्कुल आज तो क्लास की शुरुआत से ही धाए धुआं धुआं धुआ कर दिया है गजब कर दिया है पीडीएफ क्वेश्चन क्यों नहीं डाली मेरा फोन खराब है मेरा फोन खराब कुछ पैसे आएंगे फिर पीडीएफ डालेंगे ठीक है देखिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन मजाक कर रहा हूं दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि और चार वर्षों साधारण ब्याज पर दी गई राशि का अनुपात छ अनुपात पांच है भाई साहब वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर और चार वर्षों के साधारण ब्याज पर मैं आपको यह कह रहा हूं राशि का अनुपात छ पांच है तो साधारण ब्याज पर रुपए दे दिए पांच कितने साल तक चार साल तक रेट मेरी आर परसेंट है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज को मैं लिख सकता हूं बीस का आर परसेंट सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज को लिख सकता हूं मैं बीस का पांच गुना चार मैंने बीस लिख लिया बीस का आर परसेंट ये मेरी पहली कंडीशन सोल्व कर ली मैंने मैंने क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन सोल्व कर ली कि पांच रुपए चार साल तक और आर परसेंट रेट है रेट मुझे पता नहीं पांच गुना में चार गुना में आर बीस का आर परसेंट क्लियर हो गई अब मेरी दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना अगर छोटी से भी इधर उधर दिमाग हो गया तो बात निकल जाएगी और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना तो मैं बार बार करवाता हूं ना मैं बार बार समझाता हूं तो आपकी जोड़ी है अब ये बोए किंग कौन है इसको तो यार ये जय श्री राम मोदी भगवान अरे मेरे भाई सब भगवान है आप मेरी बात मान जाओ आप हमें पढ़ने दो बच्चों को पढ़ने दो उनको भी पता है सरकार बड़ी मुश्किल से जॉब देने लगी है हम आपको मनानी कर रहे हैं बोए किंग भाई साहब आप राजा हैं आप सब कुछ हैं आप गुरु हमें पढ़ने दो थोड़ी सी देर यहां पर ठीक है देखिएगा अब ये कह रहा है कि छह वर्षों ये दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ मूलधन मान मान लिया मैंने मैंने और रेट ली तो यहां पर जो निकलेगा पर जो निकलेगा ये निकलेगा छ का आर परसेंट हमें तो नहीं पता ना कितना आएगा लेकिन निकलेगा क्योंकि ना आर का पता है अब यहां पर जो आएगा वो निकलेगा छ का आर परसेंट वो भी निकलेगा छ का आर परसेंट यहां पर भी आ गया दो चीज अब एक बात तो इस पर जो आएगा इस पर जो आएगा ये चीज आपको पता है अगर ये चीज आपको पता है तो ये बनेगा इस संख्या का आर परसेंट इस संख्या का आर परसेंट तो कहने का मतलब छ का आर परसेंट का आर परसेंट छ के आर परसेंट का आर परसेंट मुझे बताओ ये वाली बात सही है क्या बिल्कुल भैया अगर छह रुपए हमने माना मूलधन तो पहला केस क्या बना 6 का आर परसेंट दूसरा केस क्या बना का, आर परसेंट, का, आर, परसेंट। का जो आर परसेंट है का आर परसेंट बना है ये वाला अब इसने बोला दिए गए समय में ब्याज बराबर प्राप्त हुआ लाइन ध्यान से पढ़ लो एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन हटवाने वाला हूं लाइन को ध्यान से पढ़ लो कि दिए गए समय में ब्याज बराबर प्राप्त हुआ सर क्वेश्चन हटा दो बस अब यही तक की बात थी कि दिए गए समय में ब्याज बराबर प्राप्त हुआ है अगर ब्याज बराबर है तो यहां ब्याज कितना है 20 का आर परसेंट और यहां ब्याज कितना है 12 का आर परसेंट प्लस छह का आर परसेंट का आर परसेंट तो भैया अगर ब्याज बराबर है ब्याज बराबर है तो मैं इधर इसको लिख लेता हूं इधर लिख लूंगा अगर ब्याज बराबर है तो मैं इसको क्या लिख लूंगा बीस का आर परसेंट बीस का आर परसेंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू बारह का आर परसेंट पहले मैं समझा रहा हूं नहीं तो इतना समय थोड़ी था इतना समय तो लगाना ही नहीं था बारह का आर परसेंट और प्लस में प्लस में छ का आर परसेंट का आर परसेंट छ के आर परसेंट का आर परसेंट अब एक बात देखो यार अब एक बात देखना छ के आर परसेंट का कैमरा थोड़ा उधर नहीं हो सकता क्या कैमरा थोड़ा सा उधर कर देंगे तो सारे बच्चे ध्यान से देख पाएंगे इस बात को तो यह बन जाएगा आठ का आर परसेंट यह बन जाएगा आठ का आर परसेंट और उधर अकेला क्या बच जाएगा छ का आर परसेंट का आर परसेंट ये बन जाएगा छ के का आर परसेंट से का आर परसेंट कट गया ये का का मतलब तो गुना ही होता है आठ बटा छा इक्वल टू आर परसेंट ये आ जाएगा चार बटा तीन प्रतिशत है तो एक बटा सौ से भाग दे दो एक बटा सौ से या सौ से सौ से गुणा कर दो दोनों तरफ सौ से गुणा कर देंगे तो उधर तो आर बन जाएगा इधर कितना बन जाएगा एक सौ पॉइंट परसेंट 133.33 परसेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने लायक क्वेश्चन है क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है अब मेरी बात को सुनना ये तो मैंने आपको समझाना था तो मैंने आपको समझा दिया है आपको क्लियर करनी थी मुझे बात की किस तरीके से बात को क्लियर कर सकते हैं अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि आपको जल्दी जल्दी कैसे करना है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी कैसे करना है क्लियर है तो देखिएगा अब मैंने आपको एक बात समझाई कि इस सारी बात को आप बिना इसके लिख भी तो सकते थे एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ताकि आपको दिखाई दे जाए इस बात को जो पहली बात है वो तो आपको सीधी दिखाई दे रही थी कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का बराबर होता है तो इसका मतलब पांच गुना चार का आर परसेंट तो बीस का आर परसेंट 20 का आर और जब कंपाउंड की मैं बात करूंगा तो आपको पता है कि ये दो जगह तो सेम आएगा ना ये बात मेंटली कैलकुलेशन करने की है या आपको ये पता है कि ये दोनों जगह तो सेम आएगा उन दोनों जगह पर तो अगर इन दोनों जगह सेम आएगा तो छह का आर और छह का आर ये आएगा तो आप डायरेक्ट ही ना लिख लेते यार बारह का आप डायरेक्ट ही तो लिख सकते थे मुझे लगता है कि इस बात को भी लिखने की जरूरत तो मुझे महसूस तो नहीं थी अगर आपने डायरेक्ट लिख लेते उस बारह का आर आर का आर तो अब ये बात अगर मुझे क्लियर हो गई तो 20 में से 12 गया तो ये 8, और ये यहां से तो चीजें आप करी सकते का आर से का आर कट गया और सारी चीजें आ गई तो एक सौ तैतीस पॉइंट तैतीस परसेंट वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा बहुत शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन को करवाया है सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज समझ में नहीं आ रही है राजेश क्या चीज समझ में नहीं आ रही है भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा मूलधन मेरा पांच है रेट मेरी आर है टाइम मेरा चार है तो बीस गुना आर परसेंट बीस गुना के लिए का लिख दो या गुना लिख दो इसमें क्या फर्क पड़ना इसका कुछ नहीं फर्क पड़ना बीस गुना आर परसेंट ये तो समझ में आया ना ये पहली बात तो समझ में आई ना अब सर सेकंड बात भैया सेकंड बात में वो ये कह रहा है ये छह है तो एक बात जब आर परसेंट का आर परसेंट लगेगा तो ये कितना लगेगा छह का आर परसेंट अब ये दोबारा कितना लगेगा दोबारा भी यहां छ का आर परसेंट और तिवारा कितना लगेगा इस संख्या का आर परसेंट इस संख्या का आर परसेंट तो ये संख्या कितनी है छह का आर परसेंट काकोचे गुना लिख लो गुना आर परसेंट गुना में आर परसेंट ये लो ये लिख लो तो अब वही चीज आपने लिखी है और फिर उसने स्पष्ट बोला है उसने स्पष्ट क्या बोला है कि दोनों का उसने स्पष्ट क्या बोला है उसने स्पष्ट ये बोला है कि दोनों का इक्वल इक्वल इंटरेस्ट है तो इक्वल कर दीजिए और आगे पीछे हो गया तो आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे नहीं अब ये बता तो दिया ये बता तो दिया भैया यही ऐसे तो निकलना है अब दोबारा आप इसको देख लेना बाद में चलिएगा सर अभी अगर आपका मूड है तो अब आपने पांच नंबर क्वेश्चन तक दिखा दिया ना तो छठा क्वेश्चन आप दिखा दीजिएगा सर ताकि बच्चों को अब कर पाए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाइएगा भैया क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाइएगा छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर ओ हो गजब क्वेश्चन गजब क्वेश्चन छ कहां से आया छह तो भैया क्वेश्चन ने दे रखा था ये टैलेंट बहुत बच्चों में डेवलप हो जाता है कई बार क्या कि वो बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन समझना चाहते हैं मैं मानता हूं आप टैलेंटेड हैं लेकिन इतना टैलेंट मत दिखाओ इस वक्त खतरनाक हो जाएगा रेलवे घर से उठा ले जाएगी भाई साहब आपको कि कमाल हो जाएगा ये तो रेल में बिना क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ये तो बिना रेल में चढ़े बिना जॉब लिए कहने का मतलब बिना पैसा लिए उनसे आप रेलवे की सेवा कर देंगे तो आपको घर से ले जाएंगे वो तो ऐसा इतना टैलेंट मत बनिएगा देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे यार गजब अब मैं बात को समझाने का प्रयास करता हूं मेरे साथ साथ सुनना आठ वर्षों के अंदर अब इधर ध्यान दीजिएगा सभी आठ वर्षों के अंदर एक राशि हो गई है चार इधर देखिएगा अब आठ वर्षों के अंदर राशि हो गई है चार ठीक है अब दोबारा उसने क्या बोला दोबारा इसने बोला है कि अगले आठ वर्षों में मतलब 16 वर्षों में हो गई कितनी है मतलब ब्याज 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 है तो पहले आठ साल में 400 मिला टोटल मुझे 1300 मिला है अगर ये 400 मिला है तो इन आठ सालों में इन आठ सालों में 900 मिलेगा यही बात तो हमको रिप्रेजेंट करती है कि चक चक्कर ब्याज की डेफिनेशन है हर वर्ष का ब्याज बढ़ता चला जाएगा चक्कर ब्याज की डेफिनेशन सभी बच्चे इधर देखेंगे चीजें आज रट रट जाएंगे यार कभी भूलेंगे नहीं ये मेरा दावा है आपसे लेकिन सीखो तो सही अगर ये 400 है और इतने जबरदस्त तरीके आपको बता दिए हैं अगर पहले कहीं देखे थे दे तो बता दो आज वो जो शुरुआत का पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन इतने मस्त तरीके बता दिए हैं गजब पढ़ाना हमारी फितरत में है क्योंकि हम मेहनत करते रहते हैं अब मैं क्या चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने पहले आठ सालों में चार सौ सो और सोलह सालों में तेरह सौ, तो ये चार सौ है तो ये नौ सौ हो जाएगा बात क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई अब ये कह रहा है तो भाई साहब को इन चार सालों का ब्याज और चाहिए क्योंकि बीस साल के बाद टोटल ब्याज कितना होगा यही तो कह रहा है भाई एक बात याद रखो ये चार सौ है ये नौ सौ है आठ साल के गैप के ऊपर भाई साहब जीरो साल था ये जीरो साल से आठ साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चार सौ रुपए और 16 साल के अंदर हो गए तेरह तो मतलब ये नौ सौ रुपये ये सोलह साल हैं। मेरी बात को सुनना भी मैं समझाने के मोड में आ रहा हूं बहुत गजब क्वेश्चन है ये आठ और ये सोलह तो इनका गैप कितना आ गया सोलह में से आठ गया तो ये भी आठ साल है इन दोनों के बीच की गैपिंग है आठ साल चार सौ से नौ सौ हो रहा है आठ साल में चार सौ से नौ सौ हो रहा है आठ साल में मैं इधर ही रख लेता हूं आठ साल के अंदर एट ईयर्स के अंदर ये संख्या कितनी हो जाएगी एट ईयर्स के अंदर ये संख्या हो जाएगी चार सौ से नौ सौ एट ईयर्स के अंदर ये संख्या हो जाएगी चार सौ से नौ सौ कहने का मतलब चार से नौ कहने का मतलब क्या है चार से नौ अगर कहने का मतलब अगर चार से नौ है तो चार साल कहने का मतलब अगर चार से नौ है तो ये चार साल अगर ये चार साल है तो इसका स्क्वेयर रूट आधा इसका आधा किया है सर कैमरा थोड़ा सा इधर कर दो ताकि बच्चे मेरी तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा इधर कर दीजिए कैमरे को आठ से चार होना तो इसका भी स्क्वेयर रूट निकाल दो यानी चार साल के अंदर कितना हो जाएगा दो से तीन हो जाएगा ये बात आपको क्लियर है क्या भाई साहब को यह बात क्लियर हो तो है तो बोलिए हाँ ये चार सो था ये नौ है 400 से 900 तो 4 से 9 होना और चार से नौ है तो चार साल तो मतलब आ गया दो से तीन बिल्कुल क्लियर है अगर क्लियर है बिल्कुल ओके जगह है ठीक है अब मेरी बात को सुनना भाई इन आठ सालों के अंदर क्या रहा होगा मैंने पहले चार साल बना लिए और मैंने अगले चार साल बना लिए मैंने शुरुआत वाले चार साल भी बना लिए हैं और मैंने आगे के चार साल भी बना लिए और मैंने देखा कि शुरुआत के चार साल में दो रुपए रहा होगा तो अगले चार साल में कितना रहेगा दो तीन रहेगा मतलब चार साल के लिए रेशो दो रेशो तीन आ गया शुरुआत के दो साल चार साल में दो रुपए अगले चार साल में तीन रुपए अब भाई साहब अगर मैं एक बात देखू मैं इस बात को यहां लिख देता हूं यार ताकि उस चीज को मैं वहां से हटा लू मैं इस चीज को यहां रख देता हूं चार से नौ 400 से 900 ये दे रखा है मैंने 8 साल और यहां पर मुझे 4 साल चाहिए है तो चार साल के लिए मैंने क्या किया है जीरो से जीरो कट करके दो रेशियो तीन इधर देखते रहना अभी आपको लगेगा कि अरे सर ये क्या समझा रहे हैं मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा देखकर मैं इसको हटा देता हूं कंसेप्ट बिल्कुल जबरदस्त वे से क्लियर करूंगा क्योंकि जब मैं सिखाने के मूड में उतर गया ना यार तो फिर ऐसा सिखा दूंगा कि कमाल हो जाएगा गजब हो जाएगा अब देखिएगा अब मैं ये कहता हूं पहले चार साल में दो रुपए और अगले चार साल में तीन रुपए तो अगले चार साल की अगर मैं बात करता हूं तो फिर रेशो वही दो तीन होगा कि नहीं होगा बस मैं इतना पूछना चाहता हूं फिर वो रेशो दो तीन होगा कि नहीं होगा मैं तो ये पूछना चाहता हूं ये चार साल में दो अगले चार साल में दो जैसे आठ हो गया आठ के बाद पहले चार बारह फिर सोलह और फिर बीस अब मेरे को बराबर करना है मेरे को बराबर करना है भाई साहब मुझे बराबर करना है तो मैंने बराबर कर लिया ऊपर दो की गुना कर दी ऊपर अगर दो की गुना है तो नीचे भी तीन की गुना आप सोचेंगे सर इतना समय लग रहा है वो तो मैं जानबूझ के लगा रहा हूं अभी आपको सिखाने के लिए इससे भी शॉर्टकट सिखाऊंगा इससे भी इतनी देर में तो दस क्वेश्चन के आंसर दे दे हम लेकिन अभी मैं सिखाने के मोड में हूं सिखाते वक्त समय की पाबंदियां हटा देता हूं मैं और क्वेश्चन आएगा तो इसको अगर मैं इधर दो की गुना करता हूं तो इधर भी दो की गुणा और इधर मैंने कितने की गुना कर दी है तीन की गुणा तो अब मैंने बात को समझने का प्रयास किया अब मैंने बात को समझने का प्रयास किया कि इन आठ सालों का ब्याज दे रखा है नौ तो मैंने देखा चार और दस। इन आठ सालों का टोटल ब्याज है दस रुपए और अगले चार सालों का ब्याज कितना है अगर अगले चार सालों का ब्याज मैं करूं तो टोटल ब्याज है नौ रुपए लेकिन ये दस रुपए ना होकर ये रुपए कितने हैं नौ सौ ये दस ना होकर ये रुपए हैं नौ सौ तो कहने का मतलब कितने गुना पर बैठा है नब्बे बैठा है एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया इधर देखो एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया तो नो का भी नब्बे गुना अगर नो का नब्बे गुना करूंगा तो ये आठ सौ दस रुपए ब्याज के यहाँ आ गए आठ सौ दस रुपए ब्याज के यहाँ आ गए इन चार सालों में लास्ट के चार सालों में आठ सौ दस रुपए ब्याज है भाई साहब अगर लास्ट के चार सालों में आठ सौ दस रुपए ब्याज है तो नौ सौ और चारो तेरह सो तेरह सौ आठ सौ इक्कीस सौ और ये टोटल मेरा ब्याज बन गया है इक्कीस सौ दस रुपए अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया है तो वो यस लिखेगा और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो नो लिखेगा मेरे पास हथियार है छ इस क्वेश्चन के छह तरीके हैं अपने पास आपको समझा के छोड़ूंगा मैं ये मैंने पहला तरीका आपको समझा दिया है अगर समझ में आ गया है तो लिखिएगा यस अगर समझ में नहीं आया है तो लिखिएगा नो क्योंकि जिसको समझ में आया है उसको मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा क्योंकि जब आप एक एक दो दो तीन तीन चीजों से सीखोगे ना तब घर के तीनों रस्ते पता होंगे तो हर रात में भी अंधेरी रात में भी कहते हैं कि जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन भी हम लोग घर पे आराम से पहुंच जाते हैं दिन में लाइट हो नहीं हो हम पहुंच जाते हैं बिल्कुल रिपीट कर दें रिपीट कर दें कुछ बच्चों ने नो 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 लिखा है कुछ बच्चों ने यस यानी मिला जुला प्रयास रहा है एक बारी सारी कंसंट्रेशन इधर ऐसा ऐसा दो घंटे का सेशन फिर कभी नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये सेशन के लिए ही इस तरह की चीजों के लिए ही लोग पेड बैच में आते हैं उनको लगता है कि अगर कोई आपसे जाना सीख जाएगा और उनको सही लगता है कि कोई उनसे ज्यादा सीख जाएगा अच्छे तरीके से सीख जाएगा तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं अगर उनके जैसा सीख गया तो फिर तो उनसे उनके जैसा भी सीख गया तो स्पीड हमारी ज्यादा है उनसे अच्छा ही सीखेंगे तो सिलेक्शन होगा और मौके बार बार नहीं मिलते हैं ये वे तो इजी ही था लेकिन एक बारी मैं समझाने का प्रयास करता हूं दूसरे तरीके से इधर देखना अगर दूसरा नहीं आएगा फिर तीसरे तरीके से तीसरा नहीं आएगा फिर चौथे तरीके से तरीके अपने पास छ हैं छोड़ेंगे नहीं इन छह गेंदों में देखिएगा अब मैं इधर इसको हटा देता हूं एक बारी के लिए जिन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगा है थोड़ा सा मुश्किल लगा है मैं इसको हटा देता हूँ मुश्किल लगने देंगे ही नहीं ना भाई साहब मुश्किल लगने का काम ही क्या है मुश्किल लगने का काम ही क्या है अपने यहां कोई मतलब ही नहीं है मुश्किल लग जाए हमारे रहते हुए मुश्किल लग जाए तो फिर फायदा क्या है हमारे रहते हुए अगर कोई चीज आपको मुश्किल लग जाए तो फिर हमारे रहने का फायदा क्या है भगवान ने धरती पर हमको भेजा है तो किसी काम के लिए तो भेजा होगा कि आपको रेलवे के अंदर सिलेक्शन दिलवा दे कल को आपका बाल बच्चे हो भारत का जनसंख्या वृद्धि हो कुछ काम के लिए तो भेजा है ना भैया शादी होगी अब इधर देखो दोबारा ये चार और ये नौ अब मैं ये कह रहा हूं कि आठ साल के अंदर 400 से 900 हो जाना है मैंने यहां पर लिखा आठ साल के अंदर आठ साल के अंदर कितना हो जाना है 400 से 900 हो जाना है आठ साल में अगर आठ साल में 400 से 900 हो जाना है तो चार साल के अंदर कितना होगा चार साल के अंदर बिल्कुल पावर वन बाई टू पावर वन बाई टू अगर ये वन बाई टू है तो इसका मतलब ये होगा दो से तीन बोलो बात समझ में जब समय आधा होता है तो उधर वाली संख्याओं का रूट कर दो जब समय तिहाई होता है तो उसको भी वन बाई थर्ड कर दो मेरी बात समझे समय आधा हो गया है तो इसका यानी चार साल का रेशियो है दो रेशियो तीन चार साल का रेशियो है इन आठ सालों के अंदर भी मैं ये फैल्कुलेट जैसे हमने ये नहीं निकाला है पहले आठ साल में ब्याज अगले आठ साल में ब्याज ऐसे में कर क्या सकता हूं ऐसे ही मैं कर सकता हूं चार चार साल का ब्याज भी निकाल सकता हूं कि पहले चार साल का ब्याज और अगले चार साल का ब्याज पहले चार साल मतलब जीरो से फोर और अगले चार साल मतलब पांच से आठ मेरी बात को समझना पहले अगर दो रहा होगा तो अगली बार तीन रहा होगा दो और तीन पांच है पांच का मान चार सौ है कितने गुना पर अस्सी अस्सी गुना तो अस्सी दूनी एक सौ साठ और अस्सी तिया दो सौ चालीस देख लो भैया रेशियो वही है सिर्फ संख्या बदली मेरी बात समझ पा रहे हैं कि इन इस रेशियो से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं चार चार साल की बात कैलकुलेट कर रहा हूं लेकिन ये चीज मुझे निकालने की जरूरत नहीं है ये तो मैंने आपको समझाया अभी तक दोबारा अब मैं शुरुआत से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं अब ये बात समझ में आ गई है कि पहले मेरे आठ साल दे रखे इधर ध्यान देना सभी के सभी इधर ध्यान देना दिमाग में बिल्कुल जबरदस्त वे सेट से से कर दूंगा ये इसने बोला आठ साल ये भी बोला आठ साल आगे लेकिन चार साल आ गया आगे चार साल आ गया ये पंगा पड़ गया भैया अगर यहां भी आठ होता तो कोई पंगा नहीं था ये चार साल के आते ही पंगा पड़ गया पंगा पड़ गया तो क्या करना है पंगे के डलते ही 400 से 900 पंगे के डलते ही 400 से 900 अगर 400 से 900 तो दो से दो जीरो चार से नौ चार से नौ तो चार साल का दो तीन तो मैंने देखा कि यहां पर क्या करता हूं मैं बांट लेता हूं ये चार साल और फिर ये चार साल इस तरीके से मैंने बांट लिया ये दो रेशो तीन आ गया अब मेरी बात को समझना अब ये वाले चार साल बहुत ध्यान से समझना भैया ये वाले चार साल और ये वाले चार साल के अंदर भी रेशो कितना रहेगा दो रेशो तीन रहेगा कि नहीं रहेगा बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि इन चार साल और इन चार सालों में ये पीछे वाली वो आगे वाली हमेशा आगे वाली संख्या बड़ी होगी तो मैंने देखा दो और तीन मैंने देखा है दो इसको और छोटा कर लेता हूं ताकि हमारे पास जगह की कमी ना पड़े दो और तीन टोटल कितना पांच पांच का मान कितना है तो कितने गुना पर एक सौ अस्सी अगर ये एक सौ अस्सी तो इसका भी एक सौ अस्सी 540 पांच सौ चालीस हो जाएगा कि इन चार सालों का पांच सौ चालीस है और इन चार सालों का और अगले चार वर्षों का इन चार वर्षों का और अगले चार वर्षों का दौर कितना है दो और तीन है तो दो का मान दो ये है तो एक का मान दो सौ सत्तर और एक का मान अगर दो सौ सत्तर है तो तीन का मान दो सौ सत्तर गुना पर बैठा है और दो सौ सत्तर गुना पर बैठा है तो ये आठ सौ दस तीन का मान आ जाएगा आठ सौ दस अब तो समझ में आनी चाहिए भैया बात अब तो समझ में आनी चाहिए अरे बोलो हाँ और अब मैंने बोला कि ये चार सौ फिर ये 900 और फिर ये 810 तो टोटल मेरा कितना बन जाएगा 2110 रुपए टोटल मेरा कितना बन जाएगा 2110 रुपए अब तो बात समझ में आनी चाहिए अब जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ जुड़ा है इस क्वेश्चन को बिना थके सुनने का प्रयास किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा और सर क्या समझा रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। छोड़ देंगे जॉब छूट जाएगी जरूरी नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं बता है क्योंकि करोड़ों की भीड़ में से निकलना है तो आपको सीखना पड़ेगा अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि मैंने सिंपल पहली तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि अपन ने चार वाली चीज क्यों निकाली ये बात कैसे यहां भी आठ साल था ये भी आठ साल था लेकिन आगे चार साल आ गया आगे चार साल आ गया तो मेरे को चार साल का रेशियो चाहिए आठ साल का रेशियो चार नौ आठ साल का रेशो चार नौ तो चार साल का रेशो दो तीन चार साल का रेशो आ गया दो तीन अगर चार साल का रेशो अगर दो तीन आ गया है तो पहले चार साल अगले चार साल दो और तीन पांच पांच का मान है फिर ये पहले वाले चार साल ये अगले वाले चार साल तो आंसर मेरा आ जाएगा इक्कीस सौ दस मुझे लगता है कि अब सभी बच्चों ने हामी भर दी है तो शायद मुझे तीसरे मैथड पर जाना ना पड़े तीसरा मैथड तो मैं थर्ड मैथड पर जाने वाला था आप सर आपने फॉर्मूले से भी तो किया था वो सिक्स्थ मेथड है फॉर्मूले वाला सिक्स्थ मेथड है पुराना हो गया मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूं दोस्त देखिएगा आज से चार महीने पहले पढ़ाया था तो मैंने फॉर्मूले से पढ़ाया कि भैया सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को देखो अब मैंने बिना फॉर्मूले के रेशो से करवाया आज के चार महीने बाद आपका कुछ और मेथड देखेंगे आप हर चार महीने में मैं कंटेंट में बदलाव देता रहता हूं तो अब मुझे लगता है कि शायद ये मैं आपको दो ही मेथड में काम चल गया है उसी चीज को इधर उधर करके मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है आगे के मेथड्स में नहीं कभी किसी क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा तो फिर तीसरा मेथड बताएंगे फिर चौथा मेथड बताएंगे और अगर नहीं लास्ट में आएगा तो फिर उसको फॉर्मूला याद करवाएंगे और फिर ये बताएंगे फॉर्मूला कैसे बना है मैं फॉर्मूला ये भी बताता हूं जिस बच्चे जो बच्चा इतने पुराने समय से मेरे साथ जुड़ा है उसको पता है कि जिस दिन मैंने फॉर्मूले से बताया था उस दिन मैंने फॉर्मूला बनाना भी सिखाया था भैया फॉर्मूला है? है? सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन पर वीडियो जो बच्चे लेट आए हैं जो बाद में आए हैं लाइक तो बनता है दोस्तों लाइक तो बनता है लाइक तो बनता है यार क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आ रहा हूं अब दो क्वेश्चन मैंने छोटे हैं उससे अलग आंसर आ रहा है बिल्कुल नहीं भैया आंसर सेम आएगा हंड्रेड परसेंट सेम आएगा वहां पर भी मैंने इक्कीस सौ आंसर करवाया था आपको वहां पर भी सेम आंसर है मुझे अच्छे से याद है आपने प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगा दिया ना कि सीआई वाला मुझे पता गलत क्यों आ रहा है आपने प्रिंसिपल का फॉर्मूला वो क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं बिना फॉर्मूले ही करा दूंगा उन क्वेश्चन को भी मत मतलब देखिएगा ये ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई आंसर दीजिए आंसर दीजी, आंसर दीजिए दीजिए बहुत पुराना क्वेश्चन है आंसर दीजिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए मैं वेट कर रहा हूँ वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कहाँ गए नागौर वाले बहुत उछलते हैं नागौर वाले दोसा वाले अलवर वाले माधोपुर वाले बिहार वाले बच्चे वेरी गुड बहुत आंसर दीजिएगा मुझे आंसर दीजिए बताइए सिर्फ मैं इतना वेट नहीं इतना वेट नहीं आंसर दीजिए भैया आंसर दीजिए मैं तो ये कह रहा हूं आंसर दीजिए आंसर दीजिए बताइए शाबाश, बताइए मुझे आंसर दीजिए करवा दिया सर बिल्कुल करवा दिया है तभी तो मैं आंसर पूछ रहा हूं ए आंसर आ गया है मैक्सिमम बच्चों का ए ए, ए, ए. मुझे लगता है ये आंसर आ गया है बाईस तीन सौ साठ है दो बेटों का आयु है सोला सही दो बटा तीन सिक्सटीन टू बाई थ्री मैंने देखा कि सोलह सही दो बटा तीन परसेंट सिक्स परसेंट होता है वन बाई सिक्स तो अगर ये छ है तो छ में एक बढ़कर अगर ये छ है तो 6 में एक बढ़कर आ जाएगा सात गैप कितना है तीन साल का अगर गैप तीन साल का है तो पावर तीन कर दो अगर गैप तीन साल का है तो पावर तीन कर दो तो छः का क्यूब कितना हो जाएगा दो सौ सो सोलह हो जाएगा छः का क्यूब कितना हो जाएगा दो सौ सोलह हो जाएगा सात का क्यूब कितना हो जाएगा तीन सौ तिरालीस हो जाएगा छ का क्यूब दो सौ सोलह और सात का क्यूब तीन सौ तिरालीस है अगर ये दो सौ सोलह है तो छीन नौ चार और एक पाँच और तीन और दो पाँच तो इसका मतलब है कि ये पाँच सौ उनसठ आ गया इसका मतलब है ये पांच आ गया अगर ये पांच होता तो ये 216 और ये तीन बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई साहब लेकिन इसने बोला ये पांच ना होकर ये 22,360 है पांच ना होकर 22,360 है कितने गुना पर बैठा है चार और जीरो चालीस गुना पर बैठा है 4 और जीरो 40 गुना पर बैठा और इसका भी अगर मैंने चालीस गुना पर बैठा है तो जीरो की जीरो हो जाएगी चार तिया बारह बचेगा एक चार चौका सोलह और एक सत्रह बचेगा एक चारिया बारह और एक तेरा तेरह हजार सात सौ बीस आ जाएगा तेरह हजार सात सौ बीस में उम्मीद करता हूँ चलो एक क्वेश्चन और पुराना ही पूछूंगा मैं मैं बीच बीच में बस आज की क्लास में तो मैंने दो या तीन क्वेश्चन ही पुराने रखे थे बाकी सारे नए क्वेश्चन रखे हैं कंप्लीट न्यू क्वेश्चन हैं आज चलिएगा आगे बढ़े भैया बताइए आगे बढ़े सभी बच्चे हामी भर रहे हैं कि हाँ सर आगे बढ़ जाओ सर अब तो आगे बढ़ जाइए चलिएगा भाई नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे अब हम लोग क्योंकि एक घंटे के करीबन में हम लोग आ चुके हैं लेकिन हमारा कंटेंट तो अभी आधा तो क्या एक बटा तीन हिस्से के बराबर हुआ है मैं चाहता हूं सारे ही अच्छे क्वेश्चन आज आपको करवा दूं एक सेशन और दूसरे बच्चों को जरूर बताना आप लोगों को मैं क्लास में भी बोलता हूं जब इतना अच्छा लगता है तो आपको आपकी जॉब की कसम है दूसरे बच्चों को भी अपने बुआ के लड़के को अपने बुआ की लड़की को मामा के लड़के को मामा की लड़की को आपके कॉलेज के दोस्तों को और कॉलेज में दो तरह के दोस्त हैं आपके मुझे पता है सभी बच्चों का पता है मुझे आपको लॉकडाउन की इतनी बेचैनी इसलिए थी कि कॉलेज में नहीं जा पा रहे मिलने नहीं जा पा रहे उन सभी को भेजना है एक बच्चा एटलीस्ट दस फोन पे जरूर भेजेगा कि भाई साहब ये वीडियो जरूर देख लेना काम आ जाएगा मुझे आपकी कसम लगी थी लेकिन आप मेरे लिए सच्चे हो इसलिए मैंने आपको भेज दिया है बताइए मुझे आंसर बताइए आंसर देखिएगा आंसर बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे वेरी गुड वेरी गुड सेकेंड ऑप्शन किरण चौधरी गलत है गलत है ए ऑप्शन वाले सही है बिल्कुल ए ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन ए और सी में से एक ठीक है ए और सी में से सिर्फ एक ऑप्शन सही है अगले साल बता देंगे जो ज्ञान ज्ञान है ऐसा रहता सिंह। रह अगले साल ही सिलेक्शन होगा भैया ऐसे मत सोचा करो ऐसे मत सोचा करो। देखिएगा पेड़ के अंदर हैंड नोट्स मिलेंगे भैया बिल्कुल मिलेंगे पेड़ की फारी फैसिलिटी मैं पेड़ में ही बताता हूँ यहाँ तो ये बता देता हूँ कि इस दुकान पे बहुत अच्छी चीज मिलती है जाके खा लो खाने के बाद पता चलता है कैसा खाना था तो पेड़ बैच के अंदर ये इस तरह का इस तरह के क्वेश्चंस की सीरीज होती है बिल्कुल जीरो से लेकर धीरे 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 पूरे कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कुछ बच्चे अभी भी सी पर जोर डाल रहे हैं और कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि ए है तो मैं देखता हूं इसका मतलब मुझे मैदान में आना पड़ेगा आप लोगों से कम पांच परसेंट एक बटा बीस तो एक बटा बीस है तो बीस का स्क्वायर चार सौ चार सो इकतालीस और चार सो बीस तो यहां से अगर मैं देखूंगा चार सौ तो बारह सो और ये आ जाएगा बारह सो इकसठ तो इसका मतलब बारह सो इकसठ आ गया बारह सो इकसठ आ गया लेकिन ये बारह सो इकसठ ना होकर ये है कितना भाई साहब बारह सो इकसठ ना होकर ये है कितना पच्चीस सो पच्चीस बाईस और जीरो कितने गुना पर बैठा है दो दो गुना पर बैठा है बीस गुना पर बैठा है इसका बीस गुना तो आठ हजार ये तो ए में भी था ये तो सी में भी था अगर मैं इसका बीस गुना करूंगा तो आठ आठ दो जीरो इसका मतलब यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है और बिल्कुल इसको अगर मैं बीस से गुना करता हूं तो ये बन जाएगा चौरासी सो तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को ये पुरानी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने पहले ही सिखा रखा है ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम के अंदर नहीं आया है कि आपको एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन मिला है दो बेटों के अंदर बांटने वाला दो बेटों के अंदर बांटने वाला आज मैंने करवा दिया तीन बेटों के अंदर बांटने वाला क्वेश्चन ये पहले विद कंसेप्ट की क्यों हुआ कैसे हुआ किस लिए हुआ किस तरीके से कर सकते हैं ये चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर देखिए वेरी गुड जो बच्चे बाद में आए हैं उन बच्चों के लिए हम लोग यही कह सकते हैं कि भैया आपको वीडियो लाइक जरूर कर देना क्योंकि आज का कंटेंट दम से बनता है आज का कंटेंट दम से बनता है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की दम बाजी वाले वीडियो आपके यूट्यूब पर आती रहे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार क्योंकि वीडियो के लाइक से ही मैं ये समझूंगा कि हाँ किस कैसा किस तरीके से हमने किया है ओल्ड क्वेश्चन ये बताया तो था दो या तीन क्वेश्चन ओल्ड ही लिए हैं हा बीस गुना इक्कीस क्यों किया है रीजन फिर कभी बताएंगे अभी तीन के अंदर अगर बांटना है आपको तो आप याद रखो जब भी तीन, तीन के अंदर बांटना हो ए स्क्वेयर कर दो फिर बी स्क्र कर दो और तीसरी जगह पर ए गुना बी कर दो तो वहां पर मैंने क्या किया था एक जगह बीस का स्क्वायर कर दिया दूसरी जगह मैंने इक्कीस का स्क्वायर कर दिया तीसरी जगह पर मैंने गुना कर दिया बीस गुना इक्कीस तीसरी जगह पर मैंने गुना कर दिया बीस गुना इक्कीस मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझ में आगी होगी कि ऐसा करना है तीन चीजों के लिए आपको कैसे करना है चलते हैं आगे और सभी के सभी बच्चे शाम को साढ़े आठ बजे जरूर पढ़ा करो भैया साढ़े आठ बजे हम लोगों ने रेलवे की सीरीज के एग्जाम चला रखे हैं और लगातार चले हुए हैं वो लगातार चलिएगा नौवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक व्यक्ति एक योजना में आठ हजार रुपए तीन वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है पहले दो वर्षों के लिए ब्याज की दर है आठ परसेंट आठ हजार रुपए लगा लिए और पहले दो साल ब्याज की दर थी एक्स परसेंट दो साल के बाद दो साल में कुछ राशि होगी होगी हमें नहीं पता कितनी हुई है अब अंतिम एक वर्ष के लिए ब्याज की दर है बीस परसेंट अंतिम एक वर्ष के लिए ब्याज की दर है बीस परसेंट ये पहले दो साल थे ये दो साल थे और अब यहां इसने क्या बोला कि ये लास्ट का एक साल है ये लास्ट का एक साल है तो आठ हजार को इसने बोला है चार हजार छ सौ छियानवे रुपये ब्याज मिल गया तो अगर आठ हजार में चार हजार छ सौ छियानवे ब्याज है तो ये हो जाएगा बारह हजार छ सौ छियानवे ये हो जाएगा बारह हजार छह सौ छियानवे मैंने ऐड कर लिया मैंने अमाउंट निकाल दिया मिश्र धन निकाल दिया सभी का ध्यान इधर सभी का ध्यान इधर अरे भैया मैं क्या कह रहा हूं अगर मूलधन मेरा आठ हजार है तो मैंने क्या किया है चार हजार छ सौ छानवे रुपए मैंने ऐड कर दिए चार हजार छह सौ रुपए मैंने ऐड कर दिए अगर चार हजार छह सौ छियानवे मैंने ऐड कर दिए तो ये बारह हजार छह सौ छियानवे हो गया अब यहाँ रेट थी बीस परसेंट यहाँ रेट थी बीस परसेंट बीस परसेंट होता है एक बटा पांच कहने का मतलब पांच से एक बढ़कर छ पांच से एक बढ़कर छ तो मैंने देखा छह दूनी बारह छह एक का छत्तीस दो इक्कीस सोलह गुना पर इक्कीस सोलह गुना अगर बैठा है अगर इसका पांच से छह बार जाएगा तीस बचेगा तीन पांच और तीन आठ पांच एकम पांच और पांच दूनी दस ये आ जाएगा दस हजार पांच सौ अस्सी ये आ जाएगा दस हजार पाँच सौ अस्सी ये आ जाएगा दस हजार पाँच सौ यानी आठ हजार रुपये दो वर्षों में दस हजार पांच सौ अस्सी हो गए हैं दो वर्षों में दस हजार पांच सौ अस्सी हो गए हैं अब तो आप रेट निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल रेट निकल सकती है भाई साहब बिल्कुल रेट निकल सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दो सर क्योंकि ये संख्या शायद मेरे को लगता है कट गई है तो अब मैं इधर देख सकता हूँ कि आठ हजार रुपए दस हजार पांच सौ अस्सी हो गए हैं कितने साल में दो साल में तो ये आठ हजार रुपए है यहां मैं लिखता हूं दस हजार पांच सौ अस्सी तो जीरो से कटेगी जीरो जीरो से कटेगी जीरो तो यहां से दो से कटेगा चार सौ और मैं करता हूं दो से दो से जाएगा पांच बार दो दूनी चार और दो निमा अठारह दोनों में अठारह तो चार सौ से पांच सौ उनतीस कितने साल में दो साल में चार सौ से पांच सौ उनतीस दो साल में इधर ध्यान भी ध्यान होना चाहिए तो भैया अगर दो साल है तो स्क्वायर रूट दो साल है तो स्क्वायर रूट छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता है तो मतलब ये हो गया कि ये बीस हो गया तो ये तेईस हो जाएगा ये बीस हो गया तो ये तेईस हो जाएगा तो तीन तीन का आ गया है तीन बटा बीस तीन बटा बीस और गुना में कर दो सो तीन बटा बीस गुना सो बीस से कटेगा पांच बार और पांच गुना तीन कितना हो जाएगा पंद्रह तो आंसर मेरा आ जाएगा फिफ्टीन परसेंट आंसर मेरा आ जाएगा पंद्रह पर शत मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी जो बच्चे बाद में आए हैं वो क्वेश्चंस के लिए एफर्ट के लिए, एनर्जी के लिए लिए एनर्जी लगातार यूट्यूब पे वीडियो के लिए लाइक जरूर करते रहना यार लाइक करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी बनती है कि हाँ आप बच्चे हमारी बात को मानते हैं या मैं मेरी बात को ओरिजिनल बात को आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा मैं ये चाहता हूं चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चन भी आपके पास है थोड़ा सा बड़ा कर दो सर क्वेश्चन ताकि बच्चे एडजस्ट कर देना सॉल्यूशन के साथ ताकि बच्चे फिर आराम से स्क्रीनशॉट ले पाए स्क्रीनशॉट ले पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर स्क्रीन ले लो बाद में रिविजन क्योंकि यूट्यूब के वीडियोज बाद में गुम हो जाते हैं नहीं पता चलता है भैया नहीं पता चलता है बाद में तो चलिएगा दसवां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर टेन दसवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आज दिन के दिन का टाइम मैंने इस तरीके से यूटिलाइज करवा दिया है समय प्रबंधन सबसे बड़ी चीज है और सीख कर बैठे हैं इसका आंसर दीजिएगा बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा भैया बहुत धाए धाएं, धाएं स्पीड से आंसर देंगे अब तो पांच हजार रुपए है आठ वर्ष के अंदर बहत्तर हो गए हैं कितने साल के अंदर आठ साल के अंदर अगर आठ साल की बात कर रहा है तो मैंने देखा है दो जीरो से दो जीरो दो से कट करूंगा तो पच्चीस बार और दो से कट करूंगा तो छत्तीस बार आठ साल के अंदर है तो भैया चार साल के अंदर कितना हो जाएगा दो आठ साल के अंदर अगर ये है आठ साल के अंदर अगर ये है तो चार साल के अंदर कितना हो जाएगा पांच रेशो छ चार साल के अंदर हो जाएगा पांच अनुपात छः चार साल का आ गया क्योंकि अब चार साल का अगर पांच छ है तो अब इसने बोला है कि भाई साहब चार साल में पांच रुपये राशि होगी अगर मैं जब भी चार साल की बात करूंगा जब भी मैं चार साल की बात करूंगा पांच रुपये अगर मेरी राशि होगी तो छह रुपये हो जाएगी तो ब्याज मेरा कितना बन जाएगा एक बन जाएगा लेकिन एक्चुअली मैं राशि पांच ना देकर मैंने राशि दे दी छः पांच पांच जीरो मैंने राशि दे दी छः पांच पांच जीरो एक तीन एक जीरो तेरह सो दस गुना पर बैठा है तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा तेरह सो दस इसका भी आंसर कितना आ जाएगा तेरह सो दस बिल्कुल क्लियर कट छोटी सी बात थी बिल्कुल छोटी सी सर क्वेश्चन देखो मैं इसको इधर लिख देता हूं रहने देना क्वेश्चन का बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे मैं इसको इधर लिख लेता हूं तेरह सो दस रुपए क्वेश्चन आप बड़ा ही रहने देना मैं उसको हटा देता हूं ताकि बच्चे स्क्रीन लेंगे ये लीजिएगा स्क्रीन लीजिएगा सभी बच्चे सभी बच्चों को याद आ गया है सब कुछ देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर शाम की क्लास डिलीट हो जाती क्या भाई साहब यूट्यूब के ऊपर आज से एग्जैक्ट आठ महीने पहले यूट्यूब पे एजुकेशन के एक दिन के अंदर वीडियो डलते थे हजार लगा लो आप बस मैक्सिमम इंडिया के अंदर आज वही वीडियो एक दिन के अंदर कितने हो गए हैं दस हजार दस गुना जिस घर में एक आदमी रहता था उस घर में दस आदमी रहने आ गए। अगर जिस घर के अंदर सोच के देखो पहले ही पांच आदमी रहते थे तीन रूम थे पांच आदमी रहते थे आराम से आज पचास आदमी आ गए बैठने की भी जगह नहीं रहेगी आप तो सोने की बात कर रहे हैं तो मैं यही कह रहा हूं कि वीडियो साथ साथ देखेंगे और मैं किसी दूसरे बच्चे को क्यों बोलता हूं कि उसको भेज दिया करो ताकि बाद में आपके व्हाट्सएप पे लिंक रहे पहली चीज दूसरी बात कोई बात आप भूल गए बाद में लिंक को ढूंढते फिरो फिर पूरी वीडियो देखो उस बच्चे से तुरंत पूछ लो कि भैया सर ने कैसे बताई थी यार वो बात को ये उस बच्चे का भी फायदा होगा आपका भी फायदा होगा मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा तो यकीन मानिए कोई आपको इस एग्जाम में हराने वाला नहीं है शेर इसलिए शेर है मेरी बात को ध्यान से सुनना जंगल का राजा क्या होता है शेर बहुत गजब तरीके से बता रहा हूँ जंगल का राजा शेर होता है ना तो सबसे ताकतवर है हाथी सबसे ताकतवर है ना सबसे लंबा है सबसे लंबा जीराफ होता है ना सबसे तेज भागता है चीता सबसे तेज भागता है ना सबसे शातिर है दिमाग सबसे शातिर है क्या नहीं लोमड़ी सबसे शातिर है ना उड़ सकता है ना पानी में लड़ सकता है भैया फिर भी शेर जंगल का राजा है यार है मैं कह रहा हूं कि फिर भी शेर जंगल का राजा है या कैसी कौन सी क्वालिटी है शेर की छह क्वालिटी आज मैं बताऊंगा एक दिन किसी वीडियो के अंदर मैंने बाज की छह क्वालिटी बताई थी आज शेर की छह क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे अगर हम एंड तक बहुत अच्छे से पहुंच पाते हैं तो ठीक है ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर इसीलिए दूसरे बच्चों को भी बोलो कि वो पढ़ें, दूसरों को भी भेजिए और आप भी पढ़िए हम तो आपके फायदे के लिए लगे हुए हैं भैया फायदे के लिए ठीक है चलिएगा इरादा मजबूत होता है इरादा तो कोई भी मजबूत कर लेगा लेकिन राजा थोड़ी कहला जाएगा इरादा मजबूत करने से चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ग्यारह नंबर क्वेश्चन को तो सर देखिएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ग्यारह नंबर क्वेश्चन को सर शेयर की क्वालिटी का क्या करेंगे सीखना पड़ता है इतिहास से सीखेंगे ना तभी जाके आगे बढ़ते हैं बिना सीखे कोई आगे नहीं गया अब क्यों बैठे हैं फिर यहाँ पर यहां इसलिए बैठे हैं ना कि सीख रहे हैं सीख कर आपको जॉब मिल जाएगी तो भैया सीखना पॉजिटिव एटीट्यूड आना फिर उस तरह के एक्शन लेंगे एक्शन आएंगे तो रिएक्शन होगा रिएक्शन होगा तो रिजल्ट बनेगा रिजल्ट वही बनेगा जो आपने एक्शन लिए हैं ये चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान समझ सकता है जिसको हमेशा क्यों लगाने की आदत है भैया फिर वो वही बात है ना कि अब तो आपके माँ बाप भी सोच रहे हैं कि क्यों हुआ था ये सब कुछ बीस पच्चीस साल पहले है ना चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मजाक कर रहा हूं बुरा मत मानिएगा आगे बढ़िएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन को खुद कर लेना भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट परेशान ना होया करो छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाने के लिए बोलता हूँ मैं इसलिए उन चीज़ों को यह मत सोचो कि हमने सर के साथ इस तरीके से बात की मैं तो मेरी बात को बिल्कुल डायनेमिकली तरीके से प्रूफ करूँगा ऐसा क्यों किया गया है नहीं तो फिर आप को अगर मैं प्रूफ करता हूं तभी आप पढ़ रहे हैं चीजों को अगर मैं प्रूफ किए बगैर ही पढ़ाता ये एटीट्यूड ये इतनी चीजें कि साइंस भी आपके दिमाग में सेट हो मैथ भी आपके दिमाग में सेट हो रीजनिंग भी आपके दिमाग में सेट हो ये एक दिन के अंदर थोड़ी होगी पढ़ तो इस वक्त दस हजार वीडियो को दस लाख लोग बीस लाख लोग रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त दस लाख लोग तो कहीं ना कहीं बैठकर इधर उधर इधर उधर पढ़ रहे होंगे लेकिन फिर भी फिर भी मेरी बात को समझिएगा भैया कि एक बात मैं समझा रहा हूं कि उन बीस लाख में से सिलेक्शन तो सिर्फ चंद लोगों का होना है तो वो उन्हीं का होगा जिनके अंदर जिनके अंदर आपका एटीट्यूड अच्छा है चलिएगा आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आठ हजार नौ सौ साठ है पहले वर्ष की ब्याज दर है साढ़े बारह परसेंट साढ़े बारह परसेंट होता है एक बटा आठ आठ से एक बढ़कर हो जाएगा नौ दूसरा दूसरा इसने बोला है कि चौदह से ही दो बटा सात परसेंट चौदह से ही दो बटा सात परसेंट होता है सात से आठ और तीसरा है तीसरा है दस परसेंट दस परसेंट होता है दस से ग्यारह अब अगर मैं देखता हूं यार ये आठ से आठ कट गया अगर ये सत्तर रहा होगा तो ये निन्यानवे हो जाएगा अगर ये सत्तर रहा होगा सक्सेसिव लगता है आपके इस केस के अंदर सक्सेसिव लगता है अगर ये सत्तर रहा होगा तो ये निन्यानवे हो जाएगा लेकिन इसने बोला ये सत्तर न होकर कितना हो गया है आठ हजार नौ सौ साठ सत्तर न लग के होकर इतना गया है जीरो से जीरो सात एकम सात सात दो चौदह और सात अठो छप्पन एक सौ अट्ठाइस गुना पर बैठा है तो तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें और तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है एक सौ अट्ठाईस गुना पर लास्ट में मैंने देखा नौ अठा बहत्तर अरे लास्ट में दो कहीं है क्या अरे एक ही जगह पर बैठा है भाई साहब आंसर आ गया सैतीस बारह मैंने बीच बीच में दो तीन क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे भी रख रखे हैं कि आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि बहुत हाई लेवल करवा दिया है नहीं हाई लेवल नहीं अभी ये फिर तूफान आने से पहले की शांति है ये वाले क्वेश्चन से हाई लेवल के आने से पहले का रेस्ट है शुरुआत में अच्छे किए थे फिर मैंने दो तीन क्वेश्चन थोड़े आसान कर दिए हैं अब फिर हमारा स्लोप ऊपर की तरफ तैयार है क्या आप बिल्कुल अब आप दोबारा तैयार हो जाइए अच्छे क्वेश्चन की सीरीज के लिए सर आइएगा थर्टीन नंबर क्वेश्चन के ऊपर थर्टीन नंबर क्वेश्चन तेरवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर थर्टीन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिएगा ये लीजिएगा छह वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज चार हजार रुपए बारह वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करें ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं मैंने दो तरीके से पहले करवा रखा है एक तरीका आज करवा देता हूं तीन तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके पास जिन बच्चों ने सारे वीडियोज देखे उनके पास तीन तरीके हो जाएंगे जो आज की वीडियो देखेगा वो आज का तरीका ले लो बेस्ट तरीका करवा रहा हूं आज देखिएगा ये ये भी मैंने फॉर्मूले से भी करा रखा है वैसे भी करवा रखा है तो इसने भैया क्या बोला है छह साल के अंदर कितना हो जाएगा चार हजार और अगले छह साल के अंदर अगले छह साल के अंदर कितना हो जाएगा छियावे सो छानवे सो है ना तो छानवे सो में से चार हजार घटा दो तो पहले चार हजार का ब्याज अब पहले छह साल का ब्याज और अगले छह साल के ब्याज की बात होगी अगर छह साल का ब्याज और इस छह साल की बात हो रही है तो यहां से मैं देखूंगा कि दो जीरो से मैंने दो जीरो को कट कर दिया है दो से कट कर चार से कट कर दो दस बार या आठ से कट कर दो आठ से जाएगा पांच तो ये चला जाएगा सात यानी बना छह साल के गैप का, का रेशियो बना, बना है पांच रेशो सात छह सर वर्ष के गैप का रेशियो बना है फाइव रेशो सेवन सिक्स के गैप का यानी अगर ये पांच है तो ये सात है लेकिन ये पांच से सात होना तो ये पांच से सात होना अगर यही मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है तो पांच से सात होना तो ब्याज कितने रुपए छह साल का ब्याज दो रुपए है लेकिन एक्चुअली में ये दो रुपए ना होकर ये ब्याज कितने रुपए है ये चार हजार रुपए है ये दो रुपए ना होकर ये ब्याज कितने रुपए है ये चार हजार रुपये दो हजार गुना पर बैठा है अगर ये दो हजार गुना पर बैठा है तो पांच का भी दो हजार गुना और पांच का भी दो हजार गुना तो कितना बन जाएगा दस हजार तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे बताया है बड़ा ही गजब लेवल का तरीका मैंने बता दिया आपको बहुत शानदार तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है पिछला ही क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने मूलधन दे रखा था ब्याज पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर ब्याज दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ब्याज दे रखा है और ब्याज दे रखा है तो मैंने मूलधन पूछ लिया है तो आंसर मेरा आ जाएगा टेन थाउजेंड बोलिए समझ में आया क्या अगर समझ में जो बच्चे नए आए हैं भैया मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अच्छी क्लास लगे तो लाइक कर देना अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं फिर न्यूट्रल रहना फिर कोई बात नहीं चलिएगा आगे बढ़ते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के ऊपर 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फोर्टीन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फोर्टीन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा समय नहीं है कुछ और अच्छे क्वेश्चन सिखाने हैं नहीं तो वो रह जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी धाए धाए तरीके से आंसर दीजिएगा एक आंसर आ गया है ए आंसर आ गया है देखिएगा देखिएगा ए आंसर आ गया है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिएगा अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से दो वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है छत्तीस सौ रुपया और तीन वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो दो साल का कितना बनेगा आपको पता है कि ए ए और बी आता है फिर अगली बार यहां पर जो ये बी आता है ये दो बार आ जाता है और फिर इसका सी आता है यही तो आता है इसकी बात कर रहा है तो मैंने देखा कि ये छत्तीस है तो अगली बार भी ये भी छत्तीस रहेगा यहां पर फिर ये भी छत्तीस रहेगा यहां पर और छत्तीस से अगला बहत्तर सो बहत्तर सो तो मतलब मेरा कितना बना मतलब मेरा ये बना कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा 540, सौ चालीस यहां पर आ जाएगा मेरा 540. तो 540 आ गया है 540 का ब्याज आया है छत्तीस पर 540 का ब्याज है छत्तीस पर इधर देखना 540 का ब्याज कितने पर है छत्तीस पर है और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुना में सो तो मैंने यहां से देखा दो जीरो से दो जीरो कट गई अगर मैं देखता हूं नौ से जाएगा छः बार और जीरो और नौ से जाएगा चार बार प्रतिशत हटाओ ना यार प्रतिशत छोड़ो मेरे को कौन सा रेट निकालना है 540 का ब्याज आ गया है 3600 के ऊपर 540 का ब्याज आ गया है टोटल कितने के ऊपर 3600 के ऊपर 3600 के ऊपर जीरो अब मैंने देखा यहां से क्या से हो सकता है तो नौ से जाएगा 6 बार और नौ से अठारह से कर दो अठारह चौवन और अठारह दोनि छत्तीस तीन बटा बीस आ गया थ्री बाई ट्वेंटी आ गया तो अगली बार कर दो ट्वेंटी बाई थ्री अगली बार कर दो ट्वेंटी बाई थ्री तो यहाँ उल्टा कर दो ऊपर जाने के लिए ट्वेंटी बाई थ्री बारह दोनि चौबीस चौबीस हजार आ जाएगा फिर अगली बार कर दो फिर ट्वेंटी बाई थ्री नहीं आएगा अच्छा तो चलिए यहाँ तक आ जाएगा चलो कोई नहीं यहाँ तक आ जाएगा ट्वेंटी बाई थ्री अगर ट्वेंटी बाई थ्री फिर करेंगे तो ये तीन से भाग देंगे तो आठ हजार आठ हजार दूनी सोलह हजार

बड़े से गुना करना है बड़े से गुना करना है तो ट्वेंटी बाई थ्री ट्वेंटी बाई थ्री फिर देखो तीन से काटा बारह सौ बारह दूनी चौबीस चौबीस हजार फिर ट्वेंटी बाई थ्री तीन से काटा आठ हजार आठ हजार दूनी सोलह हजार और एक जीरो तो आंसर आ जाएगा एक लाख साठ हजार आंसर आ जाएगा एक लाख साठ हजार सभी बच्चों का वेरी गुड चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़िएगा भैया 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर चलिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन आज कैलकुलेशन और करवाने लगूंगा अभी मैं अभी क्लास के अंत में आते आते एक बारी फिर अरे भाई एक बारी फिर कैसे एक तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना अब तो क्योंकि अब मैंने क्वेश्चन को साफ कर दिया है इसने बोला कि अठारह सौ रुपये बीस प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर दिए गए जबकि 1800 सो माइनस पी तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए दो वर्षों के ब्याज अंतर तीन सौ है तो भाई साहब एक बात बताओ ये जो अठारह सौ रुपए है बीस परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए हैं कितने साल में दो साल में और अपोन में कर दो सौ दो जीरो सौ दो, दो, दो चार अठारह चौका बहत्तर तो सात सौ बीस रुपए साधारण ब्याज आ गया अगर साधारण ब्याज आ गया है सात सौ बीस रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा रुपए। अब लेकिन ये तो आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट लेकिन अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का 315 तो आपको भी पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल से ज्यादा होता है कंपाउंड हमेशा सिंपल से ज्यादा होता है तो 720 के अंदर मैं 315 ऐड कर दूंगा 700 300 1000 1035 तो ये मतलब आ जाएगा सात सौ तीन सौ हजार ये आ गया हजार पैंतीस हजार पैंतीस जो आया ये आया है कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी है तीस परसेंट अगर दो साल के लिए दो साल के लिए अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो तीस परसेंट के हिसाब से आपको भी पता है तीस परसेंट के हिसाब से तीस और तीस और तीस का तीस एक्स प्लस वाई भाई साहब ये आपको भी पता है एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स गुणा वाई और अपॉन में सो एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई सो जीरो से जीरो साठ और नो साठ और नौ, नौ। उनहत्तर हो जाएगा ये चीज आपको भी पता है सिक्सटी नाइन हो जाएगी ये चीज सिक्सटी नाइन हो जाएगी तो उनहत्तर परसेंट का मान दे रखा है एक हजार पैंतीस उनहत्तर परसेंट का मान दे रखा है एक हजार पैंतीस तो एक का वैल्यू कितनी आ जाएगी एक की वैल्यू आ जाएगी एक हजार पैंतीस बटा उनहत्तर एक का मान आ जाएगा तो, तो का मान निकालना है तो में में कर कर दो कर दो चोका और पंजा एक तीन से कटेगा पंद्रह तीन से कटेगा पंद्रह तो पंद्रह गुना सौ पंद्रह सो आ गया तो इसका मूलधन है पंद्रह सो ऊपर वाले का मूलधन है अठारह सो तो इसने बोला इसका मूलधन अठारह सो माइनस पी है इसका मूलधन 1800 सो माइनस पी है अगर इसका मूलधन 1800 सो माइनस पी है तो मतलब है कि 1800 में से 1500 गया तो मतलब पी का मान कितना आ जाएगा डिफरेंस डिफरेंस ही तो है तो पी इक्वल टू कितना बन जाएगा 300. P पी इक्वल टू कितना बन जाएगा 300. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे करना है कैसे कैसे करना है चलिएगा आगे बढ़ें क्या आगे बढ़ें अब बिल्कुल बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं चलिएगा पेपर की पीडीएफ डाल देंगे भैया मेरा फ़ोन फ़ोन नहीं है मेरे पास फोन हमारा टूट गया है आज कल मैं शायद ठीक होके आएगा तो फिर देखते हैं और फिर आपको पीडीएफ डलवा देंगे ठीक है चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगाइएगा शाबाश एक व्यक्ति ने एक फ्रिज इस शर्त पर खरीदा कि उसने पंद्रह सौ रुपए तो नकद दिए हैं और एक पहले वर्ष के अंत में एक हजार बीस रुपए दूसरे वर्ष के अंत में नौ सो ए… एक हजार तीन रुपए और तीसरे वर्ष के अंत में नौ सौ नब्बे रुपए दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर अरे भाई साहब हिंदी के अंदर दर नहीं लिख रखी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर है दस परसेंट चक्करवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है दस परसेंट इंग्लिश के अंदर लिख रखा है इस बात को चक्रवृद्धि ब्याज की दर है दस परसेंट तो ब्याज के रूप में कितना ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले वो ये कह रहा है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूं पहले साल हूँ बीस रुपए हैं दूसरे साल एक हजार तीन रुपए हैं और तीसरे साल नौ सौ नब्बे रुपए हैं शायद स्टेटमेंट यही है फिर हम अप अपने क्वेश्चन को हटवा देंगे बिल्कुल सही है हटा दो सर हटा दो ऑप्शन पांच सौ की लाइन में है अब मेरी बात को समझना भैया ध्यान से समझना इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत बार सिखा चुका हूं लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन कराते कराते मैंने ये बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेशन इतनी मुश्किल आ जाती है कि हमको बेसिक से लेके आना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन कराते कराते हमको बेसिक से लेके आना पड़ता है कैसे अगर मैं बिना विदाउट बेसिक कंसेप्ट लेके आगे बढ़ बढ़ता हूं आपके पास कंसेप्ट लेके तो पहले साल दस था तो अगले साल ग्यारह हो जाएगा फिर ये सौ था फिर एक सौ इक्कीस हो जाएगा फिर भाई साहब हजार था तो भाई साहब एक हजार तीन सौ इकतीस हो जाएगा लेकिन एक हजार तीन सौ इकतीस नौ सौ नब्बे है 1331 का मान 990 दे रखा है अब ये कैलकुलेशन मुश्किल है कि आसान है बस आप खुद ही सोच लो मैं कह रहा हूं आप खुद ही सोच लो दिमाग थकने मत देना क्योंकि अंतिम समय है बहुत अच्छे क्वेश्चन अब मैं उठाने वाला हूं मैंने पहले ही बोला था कि अब लेवल अप हो जाएगा 1331 का 990 चीजें मुश्किल हो गई है चीजें मुश्किल हो गई हैं तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं मुश्किल रास्ते से क्यों जाऊंगा मैं आसान रास्ते से जाऊंगा भाई साहब मैं मुश्किल रास्ते से जाऊंगा ही क्यों मैं आसान रास्ते से जाऊंगा इसने बोला पंद्रह सो रुपये तो, दे 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 तो सिर्फ उस बात के ऊपर बात कर रहा हूं कि जिसके ऊपर हमने उसका उधारी ली है अगर उधारी ली है तो उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट लगाएगा जो पंद्रह सो हम दे आए उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा मेरी बात को समझना जो पंद्रह सो रुपये हमने दे दिया उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना भाई अगर ये जो पैसा था एक साल के बाद एक हजार बीस लौटाया इसने ये एक साल फिर अगले एक और साल के बाद एक हजार तीन लौटाया है इसने और अब लास्ट में अब लास्ट में नौ सौ नब्बे लौटाया है इसने अब लास्ट में नौ सौ नब्बे लौटा है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भैया बहुत गजब लेवल बता रहा हूं दस परसेंट हर बार ब्याज लगेगा हर साल वो दस परसेंट ब्याज बढ़ लेगा क्योंकि वो तो पैसा लेगा भाई इंटरेस्ट के रूप में लेगा नहीं तो नगद खरीदो अगर नगद नहीं खरीद रहे तो यहां से एक बटा दस दस से ग्यारह अगर ये दस है अगर ये दस है तो दस से एक बढ़कर हो जाएगा ग्यारह लेकिन इसने बोला ग्यारह से आ जाएगा नौ और जीरो नब्बे गुना अगर 11 का 90 गुना है तो इसका भी 90 गुना तो मतलब ये हो जाएगा 900, 900 रुपए तो यहाँ पर था लेकिन हकीकत में उसने क्या किया उसने हमसे 990 नब्बे लिया यहाँ पर नौ यहां पर देता तो 900 ही देने पड़ते लेकिन 900 तो यहां नहीं दिए तभी तो अगले साल उसने और ब्याज लिया तो नौ तो यहाँ के बचे हुए और एक हजार तीन यहाँ के बचे हुए तो इसका मतलब यहां पर टोटल जो राशि बनेगी सेकंड ईयर में वो सेकंड ईयर में राशि बनी होगी 1903 सौ तीन सेकेंड ईयर में राशि बनी होगी 1903 तो रेशियो वही 10 11 लेकिन इसने बोला ये 10 11 ना होकर 11 से जाएगा एक बार बचेगा आठ ग्यारह सत्ता सतर और ये तीन एक गुना अगर इसका एक गुना बैठा है तो इसका भी एक गुना तो तो टोटल कितना हो जाएगा सत्रह हो जाएगा अगर ये 1730 हो गया तो ये 1730 था और एक हजार बीस यहां रखे हुए हैं तो इस हिसाब से फर्स्ट ईयर की शुरुआत में कितना था फर्स्ट सत्रह से सो, सत्ताइस सत्ताईस सौ तो मतलब यहां है सत्ताईस तो रुपए। अगर ये सत्ताईस रुपए है तो भैया ये आया ये 10 और 10 का आ जाएगा 11, 10 का आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 11 दूनी 22। ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह दूनी बाईस बचेगा पांच ग्यारह पंजा पच्चीस पचपन और जीरो तो इसका मतलब शुरुआत में कितना रुपया रहा होगा ढाई हजार रुपया रहा होगा शुरुआत में रुपया रहा होगा ढाई हजार अब शुरुआत में रुपया रहा होगा ढाई हजार यानी वो शुरू में ही दे देता तो ढाई हजार रुपये दे के पीछा छूट रहा था शुरू में ही अगर दे देता तो ढाई हजार रुपए दे के पीछा छूट रहा था लेकिन यहां पर मैंने देखा कि एक हजार बीस रुपए तो एक बारी एक हजार तीन रुपये ये दूसरी बारी और नौ सौ नब्बे रुपये ये तीसरी बारी तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये बनेगा तीन नौ नौ और दो ग्यारह बचेगा एक नौ और एक दस दस कहीं गलती हो गई क्या हमसे कहीं गलती हो गई क्या इसको जोड़ने में ही गड़बड़ कर रहे हैं एक हजार बीस को अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ एक हजार बीस में अगर मैं नौ सौ नब्बे जोड़ता हूँ तो मैंने देखा कि जीरो नौ और दो ग्यारह बचेगा एक दस दो हजार दस रुपए दो हजार दस में एक और जोड़ूंगा तो तीन हजार दस रुपये और तीन हजार दस में ये जोड़ दूंगा तो तीन हजार तेरह रुपये तीन हजार इन सब को जोड़कर मेरे पास आ गया है तीन हजार तेरह रुपये तीन हजार तेरह रुपये आ गया है लेकिन मेरे पास पैसा कितना था पच्चीस सौ मेरे पास पैसा था पच्चीस सौ अगर मेरे पास पच्चीस सौ पैसा था तो तीन हजार तेरह रुपये में से अगर मैंने पच्चीस सौ रुपया ही देना था तो इसको मैं हटा देता हूं तो तीन हजार तेरह है तीन हजार तेरह माइनस में पच्चीस सौ और माइनस में पच्चीस सौ तो मतलब मेरा कितना बन गया है पाँच सौ तेरह मतलब मेरा कितना बन गया है पाँच सौ तेरा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आंसर आ जाएगा फाइव वन थ्री बिल्कुल क्लियर हो जाने से कि अगर शुरू में ही पैसा दे के पीछा छूट रहा था वो ढाई हजार था और अब अब क्या है कि अब है कि ढाई हजार की बजाय अब ये इतने दे रहा है तो मतलब कितना है मतलब है कि ये पाँच सौ तेरह रुपये और मतलब है कि ये पाँच सौ तेरह रुपये एक्स्ट्रा देगा बात समझ में आ गई है क्या सभी बच्चों को बिल्कुल भैया सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी ये बात अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी समस्या रही हो तो बाद में वीडियो को प्लेबैक करके देख लेना आपको समझ में आ जाएगी चले आगे चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा दिया आज मैंने शुरुआत वाले क्वेश्चंस भी बीच में कुछ रेशो वाले क्वेश्चंस भी आज की क्लास बहुत एनर्जेटिक क्लास है इसके बाद आपको चाय की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत जबरदस्त पढ़ाई पड़ी है भैया इतनी जबरदस्त पढ़ाई कभी कभार ही पेड़ वाली चीज की कभी कभार पढ़ाई करवाते हैं ये एक छोटा क्वेश्चन है बता देना छोटा क्वेश्चन है प्रथम वर्ष ये प्रिंसिपल है प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर है साढ़े बारह परसेंट एक बटा आठ दूसरे साल के लिए सोलह से ही दो बटा तीन है लेकिन डेढ़ साल का अंतर है अंतर साल का तो इसको दो बटा तीन होता है एक बटा छ का आधा एक बटा बारह और बटे पच्चीस दे रखा है तो पच्चीस अट्ठा दो सौ चौबीस सौ आंसर आ गया चौबीस सौ सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा समय नहीं है इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर समय खराब नहीं करेंगे हम लोग ये बकवास क्वेश्चन था बेसिक सा क्वेश्चन था लोग इसको क्या करेंगे लोग इसको क्या करेंगे लोग इस तरह के क्वेश्चन को पहले प्रिंसिपल मानेंगे ये करेंगे वो करेंगे ये रहे, ये बकवास क्वेश्चन है चलिएगा भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं एक बारी किसी एक क्लास में करवाया था मैंने अगर आपको ध्यान होगा तो लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे इसको भूल चुके होंगे सर स्टोरी सुना दिया करो भैया पढ़ते हो कभी तो कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि नेट खत्म हो जाता है फिर बोलेंगे सर स्टोरी सुना रहे हैं हमारा नेट खत्म कर रहे हैं तो मुझे लगा कि दो घंटे की क्लास है आपको पढ़ाई दे इसलिए आपको पढ़ाई दे रहा हूँ लगातार क्योंकि आखिरी का कुछ वक्त बचा हुआ है और कुछ वक्त में हम जितना पढ़ा देंगे उतना फायदा है। अठारह क्वेश्चन को अगर स्टोरी सुननी है तो इसका आंसर दीजिएगा स्टोरी सुननी है तो इसका आंसर दीजिएगा बताइए शाबाश बताइए मुझे इसका अगर आंसर मिल गया तो मैं समझूंगा कि आपको फायदा हो गया है आपको पुरानी चीजें याद है नहीं याद है तो उस वक्त पेपर में स्टोरियां याद नहीं रहेंगी प्रायोरिटी बेसिस की चीजें याद रखो टाइम मैनेजमेंट तभी सीखेंगे जब आपको प्रायोरिटी का पता होगा कि मेन प्रायोरिटी क्या है प्राइमरी चीज क्या है सेकेंडरी चीज क्या है स्टोरी कहानियां मोटिवेशन ये कुछ वक्त के लिए होता है ये ये सेकेंडरी चीज है प्राइमरी चीज है जॉब जॉब के लिए पढ़ाई पढ़ाई के लिए लगे हुए हैं डेडिकेशन होना चाहिए नाइनटीन उन्नीस नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के ऊपर बताइए शाबाश एक व्यक्ति ने 10 परसेंट चक्कर दी ब्याज की दर से कुछ राशि बैंक में जमा की दो वर्ष के बाद उसने दो रुपए निकाल दिए और शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया तीसरे वर्ष के अंत में तीसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात हो जाएगा भाई साहब आठ अनुपात इक्कीस आठ अनुपात इक्कीस तो प्रारंभिक राशि ज्ञात करें ये नागौर वाले रटते बहुत अच्छा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे नागौर वाले बच्चों ने सारा मैथ रट डाला है साइंस के तरीके से पॉलिटी के तरीके से बहुत अच्छे आपकी मेहनत को सलाम है वेरी गुड वेरी गुड है ना चलिएगा बहुत अच्छे अच्छा लगा कि आप इतना याद रखते हैं वेरी गुड और अगर आपने कंसेप्चुअली निकाला है तो बहुत जबरदस्त इस बार आपके सलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है देखिएगा अब अगर मैंने बोला कि भाई साहब पहले साल ये दूसरे साल और ये तीसरा साल पहले साल है दस परसेंट अगले साल दस का दस परसेंट टोटल तो टोटल हो जाएगा ग्यारह परसेंट अगले साल इसका भी दस परसेंट एड होकर टोटल हो जाएगा बारह पॉइंट एक परसेंट टोटल हो जाएगा बारह पॉइंट एक पहले दो साल का पहले दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया है इक्कीस परसेंट और अगले साल का जो ये था अगले साल का है बारह लेकिन होना चाहिए था आठ इसने यही तो बोला है कि तीसरे साल का और पहले दो वर्षों का तीसरे वर्ष का और पहले दो वर्षों का ये आ, ये इक्कीस ये तो मैच खा गया लेकिन यहाँ आना चाहिए था आठ भाई साहब यहाँ आठ आना चाहिए था लेकिन हकीकत में ये आठ नहीं आया ये आया कितना है ये बारह पॉइंट चार बारह पॉइंट एक आया है तो कहने का मतलब आना चाहिए था बारह पॉइंट एक और एग्जामिनर कह रहा है आठ तो कितने की गुना हो गई है चार पॉइंट एक की गुना हो गई ये जो चार पॉइंट एक की गुना हुई है ना ये ये जो की की गुना हुई है, है? कमी क्यों आई है? क्योंकि उसने जो पैसा निकाल लिया था उसका जो ब्याज नहीं मिला होगा फिर अगर वो सारा पैसा बैंक में रखता तो कंप्लीट ब्याज मिलता बारह पॉइंट एक लेकिन उसने दो हजार पचास रुपए निकाल लिए थे तो 2050 रुपए का ब्याज यहाँ से कम हो गया इसलिए यहाँ का प्रतिशत कम हो गया तो 2050 के ऊपर तीसरे साल में 10% ब्याज मिलता तीसरे साल में 10% ब्याज मिलता तो ब्याज का कंपैरिजन ब्याज से एक्स का कंपैरिजन एक्स से वाई का कंपैरिजन वाई से सेम ग्रुप का कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप से तो मेरे को ये चीज समझ में आने लग रही है कि अगर मैं यहां से देखता हूं 4.1 2050, 2050 का 10 परसेंट निकाल दो भैया कितना आएगा 205 क्योंकि ब्याज का कंपैरिजन ब्याज से 4.1 का मान 205 है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 परसेंट होती है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो 4. ये पता चल गया ना 2050 का 10% क्यों निकाला है क्योंकि ये ब्याज है ये ब्याज में है तो ब्याज से ही तो कंपैरिजन करोगे x का कंपैरिजन x से y का y से तो कितने गुना पर बैठा है क्या 41 का जाएगा पांच बार और ये जीरो लगाकर 50 50 गुना पर बैठा है तो इसका भी पचास गुना तो इसका मतलब ये पचास हो जाएगा और दो जीरो और हो जाएगी तो टोटल आंसर मेरा कितना बन जाएगा टोटल आंसर मेरा कितना बन जाएगा पचास ये पांच हजार टोटल आंसर मेरा कितना बन जाएगा पांच हजार मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी टोटल आंसर आ जाएगा पांच हजार वेरी गुड वेरी गुड देखिएगा ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का बिना रुके हुए हम फटाक से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे क्वेश्चन ना जाए क्योंकि रेस्ट का टाइम तो पंद्रह मिनट के बाद है रेस्ट ही रेस्ट है चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा और जिन बच्चों को स्क्रीन चाहिए है अब तो मैंने रफ, बोर्ड रफ कर दिया है आप वीडियो को प्ले करके इसको आराम से स्क्रीन मोड में ले लेना वीडियो को प्लेबैक करके इसको आराम से स्क्रीनशॉट मोड में ले लेना ले भैया ये लीजिएगा कोई धन तीन वर्षों में तेरह पॉइंट आठ दो चार गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह धन अपने आप का दो पॉइंट चार गुना हो जाएगा भाई साहब तीन वर्षों में ये एक रुपया एक रुपया कितना हो गया तेरा पॉइंट आठ दो चार कितने सालों में तीस वर्ष में तीस वर्ष का काम दे रखा है थर्टी ईयर्स का मैं देखता हूं कि अगर थर्टी ईयर्स की बात दे रहा है वो थर्टी ईयर्स की थर्टी ईयर्स में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि कितनी हो जाती है तेरह पॉइंट आठ दो चार तो मैंने देखा अब इसका एक साल में आंसर आने के लिए तो थर्टी रूट करना पड़ेगा लेकिन तेरह हजार आठ सौ चौबीस कुछ याद आया क्या अरे तेरह हजार आठ सौ चौबीस कुछ याद आया क्या मैं तो ये पूछ रहा हूं भाई साहब मुझे तो बिल्कुल याद है मुझे तो बिल्कुल याद है जिस बच्चे को क्यूब रूट निकालना आता है तीस का चाहे तो पंद्रह निकालो अगर इसका आपको स्क्यर रूट आता है तो अगर स्क्यर रूट नहीं निकल रहा तो क्यूब रूट निकालो दस साल के लिए रेशियो निकालो दस साल के लिए रेशियो निकालो क्या रहेगा एक का तो एक ही आ जाएगा एक का तो एक ही आ जाएगा भाई साहब इसका मैं क्यूब ये क्यूब रूट निकाल देता हूं क्योंकि तीस से दस आना एक बटा तीन हुआ है तो इसका भी एक बटा तीन रूट तो एक बटा तीन रूट कैसे करेंगे एक इस संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे चार चौका सोलह चौका चौसठ चार आखिरी से तीन डिजिट छोड़ दो आगे वाली डिजिट आगे वाली डिजिट किस, -किस के बीच में आ रही है तीन का क्यूब सताइस दो का क्यूब आठ तो छोटे वाला नंबर लिख दो एक और दो पॉइंट चार तो एक से राशि दो पॉइंट चार हो गई तो कितने साल लग रहे हैं दस साल लग रहे हैं क्यूब रूट निकालना कैलकुलेशन के अंदर सिखाया था कैलकुलेशन के अंदर सिखाया था क्यूब रूट निकालते कैसे है क्यूब रूट जिस बच्चे को याद है कि मैं एक बार फिर बता देता हूं आखिरी नंबर की तीन बार गुना आखिरी नंबर की तीन बार गुना चार गुना चार और गुना चार चार चौका सोलह चौका चौसठ मेरी बात समझ में आई ये चार आ गया अब आखिरी के तीन नंबर छोड़ दो एक दो तीन अब जितने भी नंबर बचे हैं उनको चेक करो किस किस के क्यूब के बीच में है दो का क्यूब आठ और तीन का क्यूब सत्ताइस आठ और सत्ताइस के बीच में तो तेरह है भैया आठ और सत्ताइस के बीच में तो तेरह है तो जो छोटा नंबर है वो लिख दिया तो एक से दो पॉइंट चार होना एक से दो पॉइंट चार होना तो मतलब दो पॉइंट चार तो कितने वर्ष आ गए हैं वर्ष आ गए हैं भैया दस साल वर्ष आ जाएंगे भैया दस साल अगर आंसर आ जाएगा दस साल मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से चीजों को समझा है सुना है अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट नंबर बात पर आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं क्योंकि जो बहुत जरूरी है कुछ बच्चों को पता है बताइए मुझे आंसर बताइए फोर्टीन ईयर्स के हैं आप अभी पढ़ना चाहते हैं अभी तो आप क्लास में पहले इलेवेंथ करो फिर ट्वेल्थ करो उसके बाद पढ़ना भैया इन चीजों को तब तक हम लो, हम लोग और नया कंटेंट ले आएंगे अभी उस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1930 में दिया गया रुपया एक दो में छ हो जाता है दो में छह सौ और दस अस्सी वर्ष में तो 1990 में उसकी कीमत कितनी थी 80 वर्षों के अंदर 80 वर्षों के अंदर 80 साल के अंदर 80 ईयर्स के अंदर एक रुपया 80 ईयर्स के अंदर एक रुपया कितना बन गया 625. तो अब आपको पता है कि मैं क्या करूंगा ये पावर चार बार का पता है मैंने क्या किया 20 ईयर का निकाल लिया मैंने क्या किया ट्वेंटी ईयर निकाल लिया अगर ट्वेंटी ईयर आप निकालेंगे तो एक तो एक है पावर चार कर दो पावर चार कर देंगे तो मतलब है कि पांच पाँच गुना पांच गुना पांच गुना पांच क्योंकि ये एक बटा चार था तो रूट में पावर चार ये वन बाई फोर हुआ है तो रूट में पावर चार तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई एक से पांच और अगर एक से पांच है तो इसने मेरे से बोला है 1990 में कीमत क्या है 1990 में अगर 1990 में तो ये तो साठ साल में पूछ रहा है साठ वर्षों में पूछ रहा है अगर ये साठ वर्षों में पूछ रहा है तो तीन गुना बैठा है तीन गुना बैठा है अगर इसका थ्री टाइम्स है तो पावर तीन कर दो अगर इसका थ्री टाइम्स है तो पावर तीन कर दो तो पांच का क्यूब और पांच का क्यूब कितना बन जाएगा एक सौ पच्चीस आ जाएगा 125 टाइम्स आंसर मेरा आ जाएगा 125 गुना बात समझ में आई क्या बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है शेर वाली स्टोरी कल सुना देंगे कल भी दो से चार क्लास है कल भी मैं बता देता हूं कल की क्लास का शेड्यूल मैं बता देता हूं दो बजे से चार बजे तक कल भी क्लास है सिंप्लीफिकेशन की दो बजे से चार बजे तक वेरी गुड विधु चौधरी वेरी गुड शाबाश भाई ये क्वेश्चन का समझ में आ गया तो मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सक, सक, सक हैं और अच्छे से समझे हुए कंसेप्ट में आप बड़ा आराम से चीजों को कर लेंगे पेपर के अंदर ठीक है मिक्सर एलिगेशन अभी नहीं अभी बहुत सारे टॉपिक चले हुए भैया कौन से किस किस की डिमांड सुनू मैं किस किस की मिक्सर एलिगेशन पेड बैच का पहला ही टॉपिक होगा मिक्सर एलिगेशन देखिएगा ठीक है अब मैं आपको एक और चीज एक बार रुकिएगा सर मैं आपको बता देता हूं सभी बच्चों को कि भाई चलो इस क्वेश्चन के बाद बता देंगे लास्ट में एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं उस वक्त एक भाई कह रहा है कि सर ऐसा मत करो बता दो अरे कमाल है, बता देंगे भैया बता देंगे मना थोड़ी करते हैं बता देंगे ट्वेंटी ईयर कैसे आया ट्वेंटी ईयर कैसे आया ट्वेंटी ईयर वन बाई फोर कर दो अस्सी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए शाबाश ये लीजिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अड़तालीस हजार छ सौ रुपये चार पॉइंट पांच वर्षो में एक लाख पंद्रह हजार दो सौ हो जाते हैं अड़तालीस हजार 4.5 सौ चार पॉइंट पांच वर्षो में एक लाख पंद्रह हजार दो सौ हो जाते हैं तो सात पॉइंट पांच वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित वार्षिक संयोजित होता है तो मैंने देखा साढ़े चार साल तो अड़तालीस हजार छसो अड़तालीस हजार छसो और ये कह रहा हूं कि एक पंद्रह दो सो एक पंद्रह दो सो साढ़े चार साल है ये चार पॉइंट पांच साल की कहानी है भैया ये चार पॉइंट पांच साल की कहानी बोल दी उसने तो 4.5 ईयर मैं इसको 1.5 पे ले आता हूँ मैं इसको 1.5 पे ले आता हूं 1.5 में क्या होता है तीन से भाग है तो क्यूब रूट तीन से भाग है तो क्यूब रूट अब मेरे को तो क्यूब रूट याद नहीं है तो मैं कट कर लेता हूं अगर मुझे याद होता तो मेरे को दिक्कत ही नहीं होती दो चार तीन शायद याद आने लग रहा है 2 5 10 2 से सात बार और दो से छह बार शायद याद आने लग रहा है आपको लेकिन आपने बोला कि सर मुझे तो याद नहीं है याद नहीं है तो और कट कर लो ना ये आठ इक्यासी ये करेगा तीन से एक बार तीन सत्ताइस एक सौ बानवे अब आपने बोला सर अब आपने बोला सर अभी भी याद नहीं आ रहा तो भाई साहब और कर लो सताइस और कर लो फिंसिका अठारह अब तो याद आना चाहिए भाई अब तो याद आना चाहिए सर याद आ गया याद आ गया डेढ़ साल के लिए क्या होगा डेढ़ साल के लिए मैं नीचे लिख देता हूं वन पॉइंट फाइव ईयर के लिए क्या होगा वन पॉइंट फाइव ईयर के लिए हो जाएगा क्यूब रूट क्योंकि 1 3, 1 3 है तो इसका मतलब अगर ये, तीन रहा होगा, तो ये कितना होगा ये तीन रहा होगा तो ये कितना होगा चार होगा ये तीन रहा होगा तो ये कितना होगा ये चार होगा तीन से चार मेरी बात को समझ पाए हैं तीन से चार हो गया है यानी कि हर डेढ़ साल में रेशो तीन चार है तो ग्यारह हजार पांच सौ है ग्यारह पांच सौ बीस और जीरो साढ़े चार साल तक की कहानी है साढ़े चार साल है तो अब मैं कर दूंगा तो डेढ़ साल हो गया तो छह साल हो गए और मैं एक और कर दूंगा तो फिर कितने हो जाएंगे साढ़े सात साल साढ़े चार तो यहीं तक थे भाई साहब मेरी बात को समझ पाए हैं क्या साढ़े चार साल तो यहीं तक थे जैसे ही एक रेशियो लिखा डेढ़ साल और बढ़ गए जैसे ही एक रेशियो लिखा डेढ़ साल और बढ़ गए तो तीन तिया नौ नौ से अगर मैं कट करता हूं नौ से जाएगा एक बारी बचेगा दो नौ दूनी अठारह बचेगा सात नौ अट्ठा बहत्तर और जीरो जीरो बारह आठ सौ आ गया अगर मैंने देखा बारह आठ सौ सो है सोलह की सोलह अट्ठा एक सौ अट्ठाइस लास्ट में कहीं एक है क्या यानी बहुत जगह पर बैठा है अगर बहुत जगह बैठा है तो मैं जीरो जीरो सोलह अट्ठा एक सौ अट्ठाइस बचेगा बारह सोलह दूनी बत्तीस बत्तीस बारह चवालीस बचेगा चार सोलह एकम सोलह चार बीस तो आंसर आ जाएगा बीस अड़तालीस डबल जीरो आंसर आ जाएगा बीस अड़तालीस डबल जीरो मैं ये कहता हूं क्वेश्चन में ग्यारह दोस्तों लिखा है कहाँ लिखा है अच्छा इंग्लिश में इंग्लिश में स्टेटमेंट एरर है भाई साहब बिल्कुल मैं मानता हूँ इंग्लिश में स्टेटमेंट एरर है इंग्लिश की स्टेटमेंट एरर को मैं कोशिश करूंगा कि आगे से एरर ना आए क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी चीजें कभी कभार गलत आ जाती हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी खत्म क्वेश्चन देखिएगा सर क्वेश्चन हटा दीजिएगा और वो एक और क्वेश्चन एक बार दिखा देना एक बार दिखा दो कौन सा क्वेश्चन बाकी है आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा ताकि बच्चों को पता लग जाए कि कैसे उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ हम लोग शेयर कर देंगे ताकि जिन बच्चों को फायदा नजर आएगा वो उसको बात को देखेंगे ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप कर लेना भाई अड़तालीस सौ रुपए दो वर्ष आठ महीने बाद 7500 सौ हो जाते हैं दो वर्ष आठ महीने बाद 7500 सौ हो जाते हैं तो आपको बताना है कि उन्नीस हजार दो सौ रुपए सैतीस हजार पांच सौ हो जाएंगे कितने साल के बाद इसको करके देख लेना इसका आंसर मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आएगा चार साल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चार साल इस क्वेश्चन को करके देख लेना जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है इस क्वेश्चन को आप करके देख लेना आंसर आएगा आपका चार वर्ष आंसर आ जाएगा फोर इयर्स क्लियर है तो सर अब एक बार वो स्लाइड लगा दीजिएगा एक तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो भाई ये बहुत फायदा देने वाली चीजें हैं Unacademic की ऐप को डाउनलोड कर लो और आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके से आप पढ़ते चले जाए लगातार इस तरीके से आप पढ़ते चले जाए लगातार तो मतलब है कि आप अन अकेडमी के ऊपर मेरी खूब सारी क्लासेज होती हैं जो फ्री क्लासेस भी हैं और जो पेड क्लासेज भी हैं फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं तो अनडमी की ऐप को आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना पहली चीज दूसरी बात है अन अकेडमी के ऊपर मेरा बैच आ रहा है अन अकेडमी के ऊपर मेरा बैच आ रहा है यहां पर डेली लाइव क्लास चलती है डेली लाइव क्लास है लाइव टेस्ट होते हैं स्ट्रक्चर है पहले ही पता रहेगा महीने में कितने टॉपिक हम करेंगे कितने डाउट सेशन लेंगे किस कितने सेशन लेंगे कितनी बार बात करेंगे हाँ इसको रखिएगा जो भी बच्चा इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है वो एक तारीख से एडमिशन स्टार्ट होंगे एस के बच्चों के पांच अक्टूबर से बैच आ रहा है इसमें आपके कंसेप्ट क्लासेज हैं कॉन्सेप्ट क्लासेज है इसमें इसी कोर्स में आपके डाउट क्लास भी हैं इसी कोर्स के अंदर आपके डाउट क्लास भी हैं इसी के अंदर आपका फिर इस बैच में जितने भी बच्चों के एडमिशन रहते हैं उन सभी बच्चों से लगभग थर्ड डे के अंदर मैं सब बच्चों से फोन पे बात करता हूं मतलब हर रोज में आइडिया रहता है लगभग बीस स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ और आपका तीसरे से चौथे दिन नंबर आ जाता है थर्ड से फोर्थ डे नंबर आ जाता है आपका हर रोज में 20 से 25 स्टूडेंट से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं इस बैच में और ये आपको रहेगा मैं कि आप अपनी बात को मुझे बता पाएंगे दूसरी बात जो भी इस बैच को लेगा इस बैच की फैसिलिटी क्या क्या है एक साल तक वीडियो आपके पास रहेगा वन ईयर तक वीडियो आपके पास रहेगा भाई साहब एक साल तक वीडियो आपके पास रहेगा सबसे पहली चीज दूसरी चीज है आप इस कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी टेस्ट सीरीज क्योंकि आगे पैटर्न बदल रहा है अगर आप किसी अच्छे टीचर के पास जिसने खुद एग्जाम क्रॉस किया है अच्छे टीचर के पास जिसने खुद एग्जाम क्रॉस किया है अगर वहां पढ़ेंगे ना तो आपको समस्या क्यों नहीं होगी वो उस पैटर्न से पढ़ाएंगे जैसे हम लोग चार-चार बार पेपर क्रॉस करके खड़े हैं तो हमें पता है कि किस पैटर्न से हमको पढ़ाना है और किस पैटर्न के टेस्ट आएंगे लेकिन आप अगर ऐसे ही कहीं पर फंस जाएंगे तो फिर आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी तो टेस्ट सीरीज भी आपके पास रहेगी एक साल तक वीडियो आपके पास रहेगी एक बारी आप सब्सक्रिप्शन लेने सब्सक्रिप्शन जब लें अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कोड नहीं लगाएंगे लेकिन आपको लगता है कि पैसे की बचत हो जाए तो नीचे ये रेड कलर में कोड नजर आ रहा है हरेंद्रा इस हरेंद्रा कोड को लगाने से टेन परसेंट फीस का डिस्काउंट हो जाएगा इस हरेंद्रा कोड के लगाने से 10 परसेंट फीस का डिस्काउंट हो जाएगा फीस का डिस्काउंट हो जाएगा टेन परसेंट टेन परसेंट डिस्काउंट ही आपको फायदा है बाद में और दूसरी चीज कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन जैसे ही ले लेंगे ना तो सब्सक्रिप्शन लेते ही एक साल का सब्सक्रिप्शन लें तो मैथ की क्लास भी आप ले सकते हैं रीजनिंग की क्लास भी ले सकते हैं इंग्लिश की क्लास भी ले सकते हैं जीएस की क्लास भी जितना मन करे और जब मन करे उतना पढ़ सकते हैं और एक बात बताओ एक बारी पढ़ने से मैथ थोड़ी क्लियर होता है यार आप कितनी ही बार इन चीजों को रिवाइज करो दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो चार बार पढ़ो, चार बार पढ़ो कितनी ही बार रिवाइज करो अगर कितनी बार रिवाइज करने के लिए तो मुझे लगता है अगर मैं इस बैच की स्पष्ट बात बताऊं मैंने शाम के बैच में बताई भी थी ये बैच सौ रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है एक साथ लेने पर यहाँ पर एक साल का लेंगे अगर आप सारा हिसाब लगाएंगे तो कभी मैं फिर लगा के दिखाऊंगा कि सौ रुपए पर मंथ इतने में अगर आप इतने जबरदस्त क्वेश्चन सीखेंगे एक मोटिवेशन रहेगा एक एनर्जी रहेगी और सही दिशा में लगेगी तो कभी भी आप उस डेस्टिनेशन से दूर नहीं हो सकते हैं तो पांच अक्टूबर से ये बैच आ रहा है इस बैच की फीस कब जमा होगी इस बैच की फीस जमा होगी एक अक्टूबर से इस बैच की फीस जमा होगी एक अक्टूबर से आप सोचेंगे हम एक को क्यों जमा कराएंगे हम तो पाँच को कराएंगे भाई आप पाँच को भी करा सकते हैं लेकिन अगर एक अक्टूबर को आप जमा कराते हैं तो ही बात है चार दिन में खूब सारे वीडियोज आपको दिखाई दे जाएंगे वहां पर आप पढ़ सकते हैं उन वीडियोज को चार दिन का समय खराब नहीं होगा आपका खूब सारे जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके वहां पर मेरी प्रोफाइल हरिंदर सिंह को सर्च करना है हरिंद्रा सिंह नहीं हरिंदर सिंह हरिंदर सिंह को सर्च करके मेरी आईडी को प्रो मेरी मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना फिर उसके नीचे होगा गेट सब्सक्रिप्शन वहां पर आप ये गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करके कोड डाल देना एस को सिलेक्ट करना फिर हरिंदर सिंह को सिलेक्ट करना फिर हरिंदर सिंह के बाद गेट सब्सक्रिप्शन और फिर कोड डालकर आप ले लेना तो ये इस बैच को लेने का तरीका है जितने भी दो तीन दिन पहले मैंने बता दिया अगर आप इस तरीके से बहुत जबरदस्त वे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ ये मैं दावा कर रहा हूं कि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ तो चलिएगा आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एवरीवन आपने अपना समय दिया कुछ सीखा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो और वीडियो लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने बहुत कुछ हमसे सीखा और आप हमारे को वापिस वापसी में क्या देखे गए लाइक बटन देके गए हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा दूसरे बच्चों को जरूर भेजना अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशन आते रहे तो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे व्यूज जितने ज्यादा रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है फिर हम लोग इस तरह के सेशन को कंटिन्यू करते हैं कल दो बजे से चार बजे तक दोबारा फिर क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की टू टू फोर Thank you everyone. Bye bye. Take care.